हेलो गाइस दिस इज़ अ सेकेंड लेक्चर ऑफ बिजनेस वैल्यूशन चैप्टर नंबर थर्टीन ए एफ एम एंड थियोरी लेक्चर कर रहे हैं हम लोग पार्ट वन ख़त्म हो चुका है आई एम अज्यूमिंग कि आप सब देख चुके हो वो लेक्चर एंड आपने एंजॉय भी किया ओके सो नाउ ऑलमोस्ट लाइक फिफ्टीन पेजेस आर पेंडिंग आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर दैट देर आर ऑलमोस्ट लाइक फोर्टी पेजेस ऑफ थियोरी तो क्या होता है ना जब सम्स करते हैं तो नंबर ऑफ सम्स के हिसाब से वी ट्राई टू टेक अकाउंट बट हियर सेंस वी आर डूइंग थियोरी एंड ओरिएंटेशन इज टर्ड्स थियरी ओनली दैट इज़ व्हाई आई एम काउंटिंग पेजेस एक्चुअली बिकॉज जैसे तुम्हें लगता है ना मुश्किल मुश्किल नहीं एक्चुअली इट इज़ लाइक टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम देना पड़ता है यू हैव टू गिव सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू डू नॉट फील अंदर से ऐसा लगता है कोई वैल्यू ऐड नहीं है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है बिकॉज अब तो जो तुम्हारा वेटेज होगा थियोरी का वो अच्छा खासा हो जाएगा पहले आई थिंक इट यूज टू बी बिटवीन सिक्सटीन टू ट्वेंटी मार्क्स का होता था मुझे लगता है वो वेटेज मिनिमम ट्वेंटी फाइव और मैक्सिमम थर्टी मार्क्स तक जाएगा विच इज़ अ गुड वेटेज सो so, तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो ए की प्रैक्टिकल पार्ट की कितनी भी अच्छे से कर लो अल्टीमेटली यू आर प्रिपेयरिंग टू द एक्सटेंट ऑफ सेवेंटी परसेंट ओनली एंड अगर तुम थियरी बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो कुछ भी अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे तो अगर थियरी बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो और सेवेंटी मार्क्स का अगर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी अटैम्प्ट करके आते हो तो भी नंबर्स कितने आएंगे वो तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो इसलिए नाउ थियोरी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड न नाउ फर्स्ट नीदर यू नॉर मी कैन इग्नॉर थियरी इन ए एफ एम ओके सो दैट वॉज अ स्टार्ट पॉइंट आई वॉज नॉट एस कैरिंग यूर समथिंग बट दैट इस हार्ड हार्ड रियालिटी एज ऑफ टूडे ठीक है ना सो so, टॉपिक जो तुम्हारे सामने नेक्स्ट आ रहा है उसका नाम है अराइविंग एट फेयर वैल्यू तो इसके अंदर में तुमको भी पता है जो पैराग्राफ्स वो देते हैं ना कई जगह पे पैराग्राफ के अंदर में सिंक भी नहीं होता है बट अगेन ये बातों का मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी में मैं कंप्लेन करना पसंद नहीं करती आई डोंट वॉन्ट टू कंप्लेन और डोंट फील लाइक कंप्लेनिंग जो है उसको कोई कोई रास्ता तुम्हें सीधा मिलेगा एंड यू कैन जस्ट लाइक इट विल बी ईजी फॉर यू टू वॉक डाउन द रोड एंड देर वुड भी कुछ जगह पे ऐसा होगा कि तुम्हें यू विल नॉट इट विल नॉट बी ईजी टू वॉक डाउन द रोड एंड तुम्हें थोड़ी पतली गली से निकलना पड़ेगा तो जिंदगी में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए यू शुड हैव अ गोल एंड यू शुड बी एबल टू सी ओनली योर गोल द वे अर्जुन वॉज एबल टू सी दैट आई ऑफ दैट फिश जहाँ पे उसको टारगेट करना था अगर तुम उसके अराउंड चीज़ें देखोगे ना बहुत ज़्यादा तो वहाँ तुम पहुँच नहीं पाओगे तो क्लटर बहुत है बहुत नॉइस है यू you नो know, रस्ते के अंदर में जब चलोगे ना अपने गोल की तरफ आई होप यू डोंट माइंड मी मोटिवेटिंग यू अ बिट नॉट मच बिकॉज मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए पर थोड़ा सा जो मैं कह सकती हूँ बिकॉज मैं तुमसे बड़ी हूँ तो अगर तुम्हारा ध्यान बाकी चीज़ों पे होगा और अपने लक्ष्य पे नहीं होगा अपने गोल पे नहीं होगा देन देर इज़ अ हाई प्रॉबीबिलिटी दैट योर अटेंशन वुड बी डिवाइडेड एंड गोल्स आर नॉट अचीव विथ डिवाइडेड अटेंशन यू हैव टू हैव हंड्रेड परसेंट गोल ऑन अटेंशन ऑन योर गोल देट यू हैव डन तुमको सिर्फ वही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए तो कभी रास्ता सीधा मिलेगा कभी रास्ता सीधा नहीं भी मिलेगा तुम्हें कहीं बराड़ा टेढ़ा भी मिलेगा तो उस सिनारी में तुमको अपना रास्ता थोड़ा सा यू नो काइंड ऑफ अपनी दूसरी गली से चलो या थोड़ा रास्ता बदल लो बट लक्ष्य तुमको सिर्फ दिखना चाहिए और समय बर्बाद मत करो जिंदगी में इतना ज़्यादा तुम लोग YouTube पे आज के दिन कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है बहुत सारी बातें बहुत अच्छी भी होती हैं बट इट यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि तुम्हें हर चीज़ करने के लिए YouTube पे तुम्हें वो देखना जरूरी है हाउ टू डू दिस हाउ टू डू दैट नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल अपने लक्ष्य पे फोकस करो तुम बिकॉज तुमको लास्ट में जाके वही तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा ना कोई कोई भी दुनिया में तुम्हारा नहीं है नो बडी इन दिस वर्ल्ड नॉट नॉट योर एनी बडी आई वुड नॉट वॉन्ट टू लाइक कॉल नेम्स हियर और कोई ऐसा नहीं कि मैं फ्रस्टेटेड हूँ या मेरे को एक्सपीरियंस खराब हो गया नथिंग दैट इज़ द हार्ड रियालिटी तुम्हारा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा और वो होगा तुम्हारा करियर और करियर बनाने के लिए तुमको एकेडमिक्स में एक्सेल करना पड़ेगा तो ये उधर का रास्ता है इसलिए पूरा फोकस इधर रखो ओके <laughs> okay. मैं वही बातें बोल रही हूँ जब अपने बेटे को बोलती हूँ और कुछ अलग से नहीं बोल रही सो द टॉपिक इज़ अराइविंग एट फेयर वैल्यू सो दे आर सेग इन द फर्स्ट पैराग्राफ दैट कि कोई भी जो अक्वायर होता है वो ये ट्राई करेगा जो अक्वायर होता है वो ये ट्राई करेगा कि जब वो किसी चीज को अक्वायर करने जाएगा तो ही वुड बी वॉन्टिंग टू पे द फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट वेन आई से एसेट आई मीन टू से अ कंपनी अ बिजनेस और एनी थिंग फॉर दैट मैटर नीदर मोर नॉर लेस ऑर दे हैव सेल बट दिस मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू का जो तरीका होगा द मेथड वुड बी डिफरेंट फॉर वेरियस पीपल दे हैव मैंशनड यर देट फॉर एग्जाम्पल अ चार्टेड अकाउंटेंट वुड ट्राई टू वैल्यू एन एसेट एट एन आर्म्स लेथ ट्रांजेक्शन मतलब कितना होना चाहिए अगर कोई बंदा फाइनेंस का होगा दैन ही वुड बी वॉन्टिंग टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश क्लोज एंड अकॉर्डिंगली ही वुड बी कम्प्यूटिंग द वैल्यू इफ the valuation is being done by some speculator or something or some arbitrager. they would want to compare two, three assets uh, which are in the same category and try to see which ones are undervalued and which ones are overvalued. so the perspective of valuation will change depending on people who are trying to value. but one more paragraph, they are saying that, you know, that it goes without saying that during the times of boom, during the times of optimism, the valuations go, बर्सर्क फॉर एग्जाम्पल दिस सेट दे आर सेग दे दैट अभी स्टार्टअप वैल्यूएशन है तुम्हारा यू कैन सी बर्सर्क वैल्यूशन कैन डू यू नॉट नो अबाउट द बाईजूज वैल्यूशन इट वॉज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ बिलियंस एंड नाउ एज ऑफ टूडे बाइजू इज़ वर्चुअली जीरो सो वाई दैट हैपन्स बिकॉज वैन जब लोगों को ऐसा लगता है ना जब लोगों में जब लोगों को ऑप्टिमिज्म आती है न पॉजिटिविटी आती है तो सारी तुम्हारी रीजनिंग सारा लॉजिक फेल कर जाता है इंसान सुनता ही नहीं है फिर उसके बाद ओके यू कैन इमेजिन ऑल द कंपनीज विच आर लाइक इनटू नेगेटिव कैश फ्लोज आर हैविंग billions and billions of valuation in anticipation of the future cash flows weird for me for me it is just weird i definitely we should look at the future but then you cannot close your eyes that's what i feel okay and they are saying that chale and when they have given example of dot com burst okay so when the dot com burst happened um, you know the best of the companies couldn't survive they have vanished from the market and even if a few of them which are there like they are just able to stand above the ground so थ्री पॉइंट्स दे हैव गि ओके एक और चौथा पैराग्राफ आ रहा है उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है सो देर वुड भी लाइक इट विल ऑल डिपेंड ऑन द डिसजन मेकर जो बंदा वैल्युएशन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वैल्युएशन के क्या मेथड उसको लेनी है डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट इज नीड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और द कंपनी ही इज ट्राइंग टू वैल्यू बट इट गोज़ विदाउट सेंग दैट ही शुड यूज ऑल हिज लॉजिक ओके एंड ट्राई टू लाइक जो मेथड्स होंगे कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी मेथड्स हैं उन सब से वैल्यूशन करके आंसर निकालना चाहिए फिर उसके अंदर में बहुत सारे कमेंट्स करने चाहिए और एक कॉम्बिनेशन में यूज़ करके ये बात मैंने क्लास में भी बोली है कई बार कि कोई भी एक मेथड इज़ नॉट गुड एनफ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अ कंपनी फॉर दैट मैटर नो सो व्हाट यू विल फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट यूज़ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बिकॉज फॉर कंपनीज विच आर डो विच आर नॉट हैविंग पॉजिटिव प्रॉफिट्स और पॉजिटिव कैश क्लोज तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज ही कैसे करोगे तुम तो यू नो कंड ऑफ दैट वे सो देर आर मेनी मॉडल्स दैट वी हैव सजेस्टेड देर आर मेनी मॉर ओके इन द मार्केट सो दे शुड ट्राई टू कंप्यूट द वैल्यू बाई ऑल द वेज एंड मीनस एंड ट्राई टू टेक आउट लोअर रेंज एंड अपर रेंज एंड ट्राई द वैल्यूशन कैन बी डन समवेयेर इन बिटवीन मैं अपने मन से बोल रही हूँ सो दे शुड ट्राई टू कंप्यूट द वैल्यू द कंपनी बाई ऑल द मैथड्स देन देर ट्राई टू पुट द कमेंट्स अक्रॉस लाइक अंडर ईच मेथड भाई इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था एंड देन ट्राई टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड व्यू दिस ये सारी डिस्कशन इन्होंने करी है बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आई मेरी बात है बट या मैं तुमको यहाँ पे अंडरलाइनिंग वगैरह करा के खत्म कर दूंगी ये टॉपिक सिर्फ इतनी मतलब फेयर वैल्यू के ऊपर में उन्होंने ये डिस्कशन कर रखा है द अल्टीमेट पर्पज ऑफ पोटेंशियल अक्वायर ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेक और द टेक ओवर ऑफ अ कंपनी is that you should purchase the same at the fair price no less no more okay then they have said perspective is different perspective of valuation is different for example a chartered accountant measured at the arms length a financial analyst would be akin to present value and for a speculative investor रिप्रेजेंट द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज सो एवरीबडी थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर वैन वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्युएशन दैन दे आर सेंग दैट हावर इट इज अंडबल फैक्ट दैट एन दैट एन अपड बूम टाइम द वैल्युएशन डिफाइ फेयर वैल्यू बस इतना ही मैं मार्क करूंगी और जब मार्केट जब बिकॉज जो अनरीजनेबल होगा वो कभी भी सस्टेन नहीं हो पाएगा जिंदगी में ये तुम हमेशा ध्यान रखना जो रीजनेबल होगा वही सस्टेन कर पाएगा सो इवेंचुअली मार्केट विल फाइंड इट्स ओन इक्लेबरियम

स्पेसिफाइड अदरवाइज कैलकुलेशन बाई एज मैनी पॉसिबल विद द अवेलेबल डेटा मतलब जितने मेथड से तुम कर सकते हो उतने मेथड यूज़ करो एंड देन सबके नीचे कमेंट्स करो भाई इस मेथड से इतनी वैल्यू आई क्या पॉजिटिव था क्या प्रॉस थे क्या कॉन्स एंड ऑल दैट एंड सप्लीमेंट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सफिशेंट एडिशनल इन्फॉमेसन तुम्हारे पास में और कोई ऐसी इन्फॉमेसन है मॉडल कैन भी ऑलवेज लाइक

मैं ना बोलूँ या हम दोनों के बीच में कोई डिस्कशन नहीं होती है कोई रीज़न नहीं होता है थर्ड पार्टी को ये बिलीव करने का ओके okay, कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा क्यों बंद हो जाएगा इफ इट इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लोस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रन दिस बिजनेस अनलेस स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली ड्यू टू सम रीज़न हम जो नॉन गोइंग कंसर्न को हम लिक्विडेशन मेथड्स यूज करके वैल्यूएशन करते हैं बिकॉज वी यूज़ लाइक the हिस्टोरिकल बुक वैल्यूज़ कि भाई इसका मार्केट में बेच के जो पैसा आएगा और आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो बचेगा वो इसकी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू मानी जाएगी बट ओनली इफ स्पेसिफाइड अगर तुम गोइंग कंसर्न को लिक्विडेशन वैल्यू से यूज करके अगर वैल्यू करते हो तो उसकी वैल्यू सिर्फ लिक्विडेशन वैल्यू जितनी नहीं होनी चाहिए इट्स शुड बी लाइक लिक्विडेशन वैल्यू तो होनी ही चाहिए उतना तो है ही वैल्यू ऑलरेडी ओके बट क्योंकि इट इज़ अ गोइंग कंसर्न इट इज गोइंग टू जनरेट कैश लोज इन द फ्यूचर वी शुड एड अप सम मोर वैल्यू विच विल रिप्रेजेंट the additional value it will generate or the additional profitability it will generate in the future, the value of the brand and the goodwill and many more things, the value of the loyalty of the emplo uh, employees and all that. reason <laughs> that non-going concern would be always valued lower than the going concern, naturally, because it has lost its reputation and goodwill also. so this is again discussion on going concern and non-going concern. let's repeat it so a going concern, there is no intention or need that the company would be क्यों बोलूँ कि बंद हो जाएगा जब तक आप बोलो नहीं फिर उन्होंने बोला है कि गोइंग कंसर्न की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है और नॉन गोइंग कंसर्न की वैल्यू कम क्यों होती है दैट्स वॉट इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे मैं नहीं करा बोलोगे तो अंडरलाइन करा देती हूँ दूसरी Non-going concern valuation is also known as liquidation valuation because it's a net value realized after disposing of all the assets and discharging the liabilities. Since an ongoing firm could continue to earn profit, which contributes to its value in addition to the liquidation value, the going concern value is known as total value. Generally, the going concern value of a firm okay, will be greater than its liquidation value because it's acquired as an आई मीन आई होप अंडरस्टैंड दिस नथिंग लाइक आई शुड भी रिपीटिंग अगैन एंड अगैन बिकॉज वो भाई चलेगा भाई वो मतलब नाम भी खराब नहीं है गुड विल भी बहुत है सब कुछ है फ्यूचर प्रॉफिटबिलिटी जो एसेट्स की वैल्यू आज है वो 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 तो है ही है उसके अलावा भी वैल्यू है नॉन गोइंग कंसर्न विदर इज नो वैल्यू ऑफ दैट सॉट एक्चुअली एंड नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वैल्यूशन ऑफ डिस्ट्रस्ट कंपनीज आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द मॉड्यूल यू आर मॉड्यूल दिस वन जो दिया हुआ है

आई डोंट नो हाउ टू पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज वैसे भी उन्होंने कोई सम्स वगैरह नहीं दे रखे हैं उसके ऊपर में एंड बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि मैम इस पर क्वेश्चन बनेगा क्या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एनफू द फैक्ट दैट क्वेश्चन बनेंगे क्या नहीं बनेंगे बट देन आई जस्ट ट्राई टू डू सम रिसर्च ऑन दिस टॉपिक तुम्हारे हिसाब से एंड आई came अक्रॉस अ कॉन्टेंट विच इज़ रिटन बाई अस्वत दामोदरन और तुम बिलीव वो कंटेंट मैंने डाउनलोड किया है तुम बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप के ऊपर में ट्वेंटी फाइव पेजेस का है ऑन वैल्यूशन ऑफ डिस्ट्रस कंपनीज एक्चुअली एंड यू विल नॉट बिलीव इट इज़ वर्ड बाय वर्ड कॉपी बट इतना काट छाट करके उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है दैट हाफ ऑफ द थिंग्स हैव लाइक लॉस्ट द मीनिंग ओनली सो आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट जब मैं तुमको दिखाऊंगी वो शीट uh, बताते समय दो तीन बातें बहुत तरीके से सुनना है इसके अंदर में मैं नहीं जा रही बिकॉज ये सिंक में नहीं है पूरा का पूरा कॉन्टेंट मैं तुमको दिखाऊँगी कहाँ से लिया है कॉपी पेस्ट है पूरा और कुछ चीज़ें अगर इन्होंने अगर कॉन्टेंट के अंदर डाला होता यू नो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट लाइक हाउ टू कैलकुलेट दिस हाउ टू कैलकुलेट दैट तो बेहतर होता हैव बीन बेटर बिकॉज दैट वुड हैव गिवन यू बेटर परपेक्टिव फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ क्योंकि यू कैन नॉट लर्न सम थियरी इफ यू डो नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल आई कॉन्ट टीच ऑल्सो आई मीन अ गुड टीचर कै नॉट टीच एनी थियोरी लाइक जस्ट गोइंग ब्लाइंड इट्स नॉट पॉसिबल दैट मीन्स इज वी आर जस्ट फूलिंग विथ ईच अदर सो ओनली वैन यू अंडरस्टैंड समथिंग विद अ प्रैक्टिकल बेंट एटलीस्ट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द थियरी तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कम से कम टाइम में तुमको ज्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूँ सो वॉट इज व वैल्यूशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज पॉइंट नंबर वन मैं इसके थ्रू नहीं जा रही बाद में रीडिंग कर दूंगी तुम समझ जाना क्या लिखा हुआ है बट जो मुझे समझती है वो चीजें बातें पहले सुनू सो बेसिकली लाइक usually the method that we use in order to value any company is a going concern assumption and we use all the models that we use you know kind of discounted cash flow model or present value model or comparable firms approach. models. By default assumption is there that this company will be a going concern and that is why guys you know we calculate the present value of the cash flows in the super normal growth phase and then we assume that the company will like uh, taper down to a यू नो सिंगल डिजिट रेट जहाँ से हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज्यूमिंग दैट दैट ग्रोथ विल कंटिन्यू इन ऑन अ परपैचुअल बेसिस सो परपैचुटी इज अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट अजाम्पन इन द प्रेजेंट वैल्यू मॉडल वेर वी एज्यूम दैट द कंपनी विल कीप ग्रोइंग इफ नॉट ग्रोइंग इट विल एटलीस्ट कीप जनरेटिंग दैट परटिकुलर अमाउंट ऑफ कैश्लो फॉर अ लाइफ टाइम ओके दैट इज अ व व व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजम्प्शन ऑल्सो वैन वी यूज दिस इज दिस आई टॉकड अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू मॉडल करेक्ट ना ये हम यूज़ करते हैं वैन वी यूज कंपेरेबल फॉर्म्स अप्रोच और रिलेटिव वैल्यूशन मॉडल वी यूज द प्रोक्सी कंपनीज और द पीयर ग्रुप कंपनीज टू लाइक आइडेंटिफाई मल्टीपल्स लाइक पी ई मल्टीपल और प्राइज टू बुक वैल्यू मल्टीपल पी एस मल्टीपल एंड यूज़ दोज मल्टीपल्स टू वैल्यू आवर कंपनी this much you should be very very clear. That's what I assume. Now when you are using those multiples, don't you assume that the companies which you are using as benchmarks are healthy companies and they are going to continue in the future perpetually. That means whenever we are using this models, हम ये आज़ुम करके चल रहे हैं कि भाई ये models उन companies के लिए हैं जो companies आज भी अच्छा कर रही हैं और आगे भी अच्छा करेंगी और ये ज़िंदगी भर चलती रहेंगे. and that is why using these models blindly for a company which is in distress so I also want to say second point here that not all the companies are healthy in the market. There are a lot of companies which are under distress. Which company would you call as a distressed company? A company which is not able to pay off its liabilities, or it is a struggling to pay off liabilities. It can be a debt obligation, like a, like an interest payment or repayment, or it can be related to operating expenses. Also, the reasons of company coming under stress can be many. Like it has the revenues are falling the company is into economic downturn or some cyclical company facing a lot of cash crunch or something like that or the company has a lot of illiquid assets or something or high fixed cost maybe we can also say that to kya hota hai ki market mein to bahut sari companies hai काफ़ी सारी companies बहुत अच्छा कर रही हैं लेकिन बहुत सारी companies distress में of course है या आ जाएंगी तो basically सबसे बड़ी problem इन companies के साथ में क्या है वो ये है कि हम जब प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यूज़ करते हैं ना तो भले ही कंपनी नो ग्रोथ मॉडल भी है जहां पे हम एटलीस्ट ये अज्यूम करते हैं भाई ये वैल्यू जिंदगी भर आती रहेगी ये तो हम अज्यूम करते हैं बट अगर डिस्ट्रेस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है बेसिकली कि वो जो कैश फ्लो है या तो वो डिक्लाइन कर डिक्लाइन करता जाएगा ओके नंबर वन और जब तक वो टर्मिनल फेज के लेवल पे आएगा तब तक हो सकता है कि वो तब तक कंपनी खत्म हो जाए तो ऐसी वाली कंपनीज को अपन डिस्ट्रेस कंपनीज बोलेंगे इन सच अ सिनारियो हाउ विल यू द एग्जिस्टिंग मॉडल्स ऑफ वैल्यूएशन। दिस इज़ अ टॉपिक ऑल अबाउट बट उन्होंने इतना अजीब अजीब चीज़ें करी है ना कुछ कहने लायक नहीं तो मैं उसके बारे में बात करूँगी तो ओबियस ही बात है वैन यू uh, अगर कैशलोज की बात करोगे सो ओब्वियसली द कैशलोस Uh, no they need to be adjusted they must factor in the probability of default okay with a probability distribution that uh, default chances 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 and the cash flows must represent the likelihood of the default for that matter even the discounting factors like if you calculate kc and in kc you will have kd and k so if you are using k then using a historical beta would not be a good idea rather upco beta कैलकुलेट करना चाहिए और अपडेटेड डेट इक्विटी रेशियो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूज करना चाहिए इवन कॉस्ट ऑफ डेट वुड बी हायर इन केस ऑफ अ डिस्ट्रेस कंपनी सो इट शुड ऑल्सो फैक्टर इन द प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस फॉर दैट मैटर मेरे कहने का मतलब है द डिस्काउंटिंग फैक्टर मस्ट द कैश फ्लोज इन द न्यूमरेटर मस्ट रेप्रेजेंट ये ओवरऑल बोल रहे हैं मॉडल पर नहीं आई हूं मैं द कैश फ्लोज मस्ट रिप्रेजेंट इन सम और द अदर वे द प्रोबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दैट कैन हैपन इन फ्यूचर एंड द डिस्काउंटिंग फैक्टर शुड ऑल्सो represent that likelihood of default whether it is ke or kd obviously the k the kc has to be higher because kc represents the risk of the company in case of a distressed company the risk of all the stakeholders for example be it equity be it debt it has to be very very high so this is something under discussion that we are doing so here he said काट छाट के कोशिश करिए डालने की उसकी वजह से कुछ क्या हो गया कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ही उड़ा दिया उन्होंने तो मैं तुमको तो दिखाऊंगी कुछ चीज़ें यहाँ जहाँ पे दिखाने का होगा बाकी उसमें से निकाल के उन्होंने कॉपी करी है तो मैं पढ़ती हूँ फिर आगे बोलोगे तो बोल देती फिर बाद में पढ़ लूंगे ये सारी बातें मैंने बोल दी नाउ द फर्स्ट मॉडल दैट वी कैन यूज़ इज मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन व्हाट इज दिस मॉडल सुनना शांति से मैं इंग्लिश में, में बोलूंगी हिंदी में बोलूंगी सो बेसिकली दे से दैट इफ यू रिमेंबर एट ऑल डू यू नॉट रिमेंबर इन द एडवांस कैपिटल बजटिंग वी यूज टू हैव अ मॉडल कॉल्ड कोई सटैनिटिक इक्विवेलेंट कोफिशेंट मेथड यहाँ पर हम क्या करते थे कि मान लो ईयर वन में ये भी कैश फ्लो हो सकता है ये भी कैश फ्लो हो सकता है और ये भी कैश फ्लो हो सकता है और उन तीनों की सपोज तीन का दो का चार का कुछ भी हो सकता है प्रोबेबिलिटीज ये रखी है करेक्ट है तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द कैश फ्लोस विद द प्रोबेबिलिटीज यू यू गेट एवरेज कैश फ्लोस फॉर ईयर वन ओके एंड देन यू मल्टीप्लाई विद सी 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 इज वॉट सर्टानिटी इक्वल इंड को दैट मींस टू से इफ आई एम स्टैंडिंग एट जीरो देन एवरेज कैश फ्लो दैट आई कैलकुलेटेड दैट इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ ईयर वन इज इट लाइक फुल गारंटी नो

ओके इट विल कंसिस्ट ऑफ केई एंड के डी सो वाईल कम्प्यूटिंग केई यू शुड यूज़ द अपडेटेड डेट इक्विटी रेशियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड द अनलिवर्ड बीटा दैट मीन्स टू से वो ये बोल रहे हैं कि आप जब केई कैल्कुलेट करोगे ना इस इस यहाँ पे यूज करने के लिए तो आप कोई पुराना बीटा मत उठाओ राधर आपको क्या करना चाहिए आपको रिकैलकुलेट करना चाहिए बीटा कौन सा मेथड यूज करके अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा यू नो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द प्रोजेक्ट बीटा द एसेट बीटा एंड ऑल दैट मतलब आप रिकैलकुलेट करो ओके okay? और अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आप उसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क का फैक्टर इन करो तो खेडी ऑफ अ कंपनी अंडर डिस्ट्रेस हैज टू बी हायर ओके दैट वे सो दे आर सेइंग दैट मींस यू शुड एडजस्ट द केसी आल्सो टू रेप्रेस रिप्रेजेंट द लाइकलीहुड ऑफ द डिस्ट्रेस एंड कैश फ्लोज को भी वो रिप्रेजेंट करना चाहिए एंड देन यू कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सच अ कंपनी देन नीचे में जाके वो लोग ये बोलते हैं दैट इफ लाइक एट ऑल इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लोज विच रिप्रेजेंट्स द लाइकलीहुड ऑफ द डिफॉल्ट वॉट यू कैन डू इज यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लाइक दिस ऐसे कर लो कैश लो मल्टीप्लाइड विथ वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जिसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सो दिस इज वॉट दे आर सेंग मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश लो वैल्युएशन आई फील दैट मैं बहुत देर से बोल रही हूँ और पता नहीं तुम्हारा टेंशन स्पैन कहाँ चला गया होगा तो मैं जरूर रीड करना चाहूंगा उन्होंने क्या बोला है सम फर्म्स आर क्लियरली एक्सपोज टू पॉसिबल डिस्ट्रेस दो द सोर्स ऑफ द डिस्ट्रेस में वेरी

या बिजनेस नहीं चल रहा कह सकते हैं डिस्ट्रेस कंपनीज आर बिजनेसिस दैट आर लाइकली टू ऑलरेडी हैव डिफॉल्टेड ऑन देयर डेट्स ऑल दो कंपनी में नॉट बी मेकिंग पेमेंट्स ऑन सम बट उस कंपनी की कुछ तो वैल्यूशन दे आर सेइंग दैट इन दिस पैराग्राफ कि भले ही कंपनी अपने पेमेंट्स टाइम पे नहीं कर पा रही है बट इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी डजेंट हैव अ वैल्यू कंपनी हैज डेफिनेटली हैव वैल्यू बट द वैल्यूएशन दैट यू आर गोइंग द वैल्यूएशन मॉडल रदर दट यू वॉन्ट टू यूज इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सच कंपनी वॉट बी द सेम द वे यू वैल्यू अ कंपनी विच इज हेल्दी एंड फाइन okay so the models which we are we have been studying till now all the models have by default assumption that the models are used for a company which are healthy and fine and the cash flows are perpetual they are growing and the the companies that you are using as benchmarks and peer group and in the market they are also healthy and fine and that is why we need to make appropriate changes to the मॉडल्स ओके इन ऑर्डर टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी ओके यहाँ पे वही बातें लिख रखी तुम देख लेना यहाँ पे उन्होंने क्या बोला जो मैंने बोला वही बात रिपीट करिए सो फर्स्ट ऑफ ऑफ फर्स्ट ऑफ इज़ मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन देखो यहाँ पे दिस मैटर रिक्वायर्स सुनना ध्यान से कमिंग अप विथ प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कैश फ्लो अक्रॉस ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इन ईच पीरियड करेक्ट वाई एल कंप्यूटिंग दिस कैश फ्लो द लाइकलीहुड ऑफ डिफॉल्ट शुड बी एडजस्टेड फॉर दैट मीन्स न्यूमरेटर सेट हो गया इन कंजंक्शन विद दीज कैश लो एस्टिट्स डिस्काउंट रेट शुड ऑल्सो भी एस्टीमेटेडिंग अपडेटेड डेट इक्विटी रेशन अनलिवर्ड बीटा टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट मीस प्रोजेक्ट एसेट मेथड या तुम अश्वत्थ दामोदरन कॉल्स इट बॉटम अप बीटा बोलता है उसको वो उसका जो वो जो तुम बी ही निकालते हो ना पहले फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सी कंपनीज का पहले तुम बी एसेट बीटा निकालते हो मतलब अनलिवर करते हो उसके बाद उसकी एवरेज करते हो और फिर उसमें अपना इक्विटी रेशियो लगा करके तुम लीवर्ड बीटा निकालते हो ही कॉल्स दैट बीटा इज बॉटम अप बीटा सो बेसिकली बाई सेंग दिस ही इज ट्राइंग टू से दैट यू शुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बीटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बीटा हिस्टोरिकल बीटा मतलब पीछे जो कंपनी का बीटा था वो या फिर बीटा कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस कैसे जो पोर्टफोलियो में तुम कैलकुलेट करते हो ना कॉव एक्स वाई बाई वरायस ऑफ एक्स बोले वो यूज मत करो आप प्रोजेक्ट बीटा यूज करो मतलब आप रिकलकुलेट करो बीटो बीटा का विच इज सुटेबल फॉर द करंट सिनारियो ओके देन ही इज ऑल्सो सेंग दैट कि भाई आप डिफॉल्ट रिस्क का इन फैक्टर इन करके आप के ईडी निकालो और फिर आप डिस्काउंटिंग करके कंपनी की वैल्यू निकालो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन देन इट सेज दैट इफ यू आर नॉट एबल टू हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश फ्लो ओके द वे दे हैड डिस्कस्ड ऊपर में जा करके तो आप कैश फ्लो इस तरह से निकाल लो वेयर इट विल बी कैश फ्लो मल्टीप्लाइड विथ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस आई विल शो यू ही हैज शोन थ्री मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस हो सकता है उसमें से एक दो तुमको नहीं समझे बट Least, कुछ तो देखोगे तो कुछ तो समझेगा तुमको आई एम श्योर ओके नाउ द सेकेंड वैल्यूएशन और द डिस्ट्रेस वैल्यू ओके तो वो क्या बोल रहे हैं यहां पे, पता है, सुनना ध्यान से वो बोलते कि एक काम करो कि तुम कंपनी की वैल्यू पहले ऐसे ही निकाल लो एज की कंपनी हार्टी एंड फाइन है मतलब एज इफ इनका फाइनेंशियल हेल्थ वापस अच्छा हो गया एंड द कंपनी विल बिहेव लाइक अ गोइंग कंसर्न इन फ्यूचर सो यू ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑफ अ डिस्ट्रेस कंपनी फर्स्ट मतलब वो कंपनी की वैल्यू तुम निकाल के रख लो ठीक है नाउ इट इज अ हाई प्रॉबिलिटी सुनना ध्यान से इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये तुमने निकाल के रख लिया बट इट इज अ बट इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी वुड नॉट बी एबल टू रीच द लेवल ऑफ टर्मिनल होराइजन वैल्यू मतलब वो चार पाँच साल के एंड तक कंपनी हो सकता है पहुँच ही ना पाए उसके पहले ही खत्म हो जाए ओके सो मे बी इन दैट सिनेरियो वॉट विल हैपन द कंपनी का असेट्स वुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ डिस्ट्रेस वैल्यू तो तुम्हारे पास में दो वैल्यू हो गई एक तो कंपनी की वैल्यू हो गई एज पर द डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड और एक कंपनी की वैल्यू हो गई कि अगर कंपनी अपने टर्मिनल uh, वैल्यू को पहुंचने के पहले ही अगर कंपनी खत्म हो जाती है सपोज करो तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो मार्केट में डिस्ट्रेस सेल पे चले जाएंगे तो तुम्हारे पास में दो वैल्यू हो गई और फिर तुम उन दोनों का एवरेज ले लो देखो यहां पे मैं ज्यादा तुमको एक्सप्लेन करू तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे सो वैल्यू ऑफ इक्विटी डीसीएफ वैल्यू ऑफ द इक्विटी वन माइनस प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस देखो वेटेड एवरेज आ गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस And one minus probability of distress. So one minus probability of distress that means DCF value multiplied मल्टीप्लाइड विथ वन माइनस प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस समझ में आ रहा है कि इसका वन माइनस क्यों लिया दैट मीनस इट इज गोइंग कंसर्न एंड देन प्लस डिस्ट्रेस सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड विदिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस सो इट विल गिव यू वेटेड एवरेज वैल्यू बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट करेक्ट अगर तुम दोनों में से कोई एक भी लेते हो तो यह सही वैल्यूएशन नहीं मानी जाएगी क्यों अगर तुम डीसी वैल्यूफ इक्विटी लेते हो तो तुम ले नहीं सकते बिकॉज कंपनी एक्चुअली गोइंग कंसर्न नहीं है लेकिन अगर तुम डिस्ट्रेस सेल वैल्यूफ इक्विटी लेते हो वो भी सही नहीं है बिकॉज क्या होता है कई बार पैनिक मोड

ये सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट जो डेटा आ रहा है तुम्हारे सामने में अगर मैं तुमको एक बार दिखा दूँ ना कि यस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बाद तुम सॉर्ट हो जाओगे थर्ड मॉडल उन्होंने बोला है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल इफ़ यू रिमेंबर एट ऑल इन एडवांस कैपिटल बजटिंग आई टोल्ड यू दैट द ए मॉडल के अंदर में फाइनेंसिंग डिसीजन एंड बिजनेस डिसीजनस आर डिफरेंट ओके सो कहने का ये मतलब हुआ देर आर प्रोजेक्ट्स या देर आर बिज़नेसेस ओके विच आर फंडामेंटली बिजनेस वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं मीन्स कैश फ्लो जनरेट करने की जो ताकत होती है दैट्स वेरी वेरी ह्यूज बट देर आर प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बट बिकॉज ऑफ द टैक्स शील्स दैट दे जनरेट बिकॉज ऑफ द हाई डेट एम्प्लॉयमेंट द अगेटिव एन पी प्रोजेक्ट कैन बिकम पॉजिटिव ओके सो यूजिंग दिस मॉडल व्हाट यू कैन डू यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस मतलब वैल्यू ऑफ द कंपनी एज इफ देयर इज नो डेट तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड मींस बिजनेस मॉडल के हिसाब से ओके okay? और उसके बाद उसमें ऐड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स और उसमें से माइनस करो एक्सपेक्टेड बैंक कॉस्ट फ्रॉम द डेट एक्सपेक्टेड यूजअली हम क्या माइनस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट यहां पर क्या उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मॉडल को एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी सो बेसिकली ब्रकेट में इसलिए एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट फ्रॉम द डट हाउ कैन यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट सो एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट कैन भी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्यूला अनलिवर्ड फॉम फॉर्म वैल्यू सुनना अनलिवर्ड फॉर्म वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू द वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑन द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कैश क्लोज माइनस द डिस्ट्रेस सेल वैल्यू द एक्सेस कॉम्पोनेट मल्टीप्लाइड विद प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस अगेन इट हैज कम देयर दट मीन प्रॉब्लिटी ऑफ डिस्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया मतलब क्या हुआ एक्सपेक्टेड बैंक कॉस्ट क्या होगा मतलब लॉस कितना होगा अनलिवर्ड यानी ओवर एंड अबव डिस्ट्रेस सेल वैल्यू तुम्हारा लॉस हो गया बट वो लॉस होने का जो चांस उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड बैंक रपसी कॉस्ट दैट मीन्स गस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दे कैन डेफिनेटली आस्क यू वन एम सी क्यू सो जस्ट प्लीज

a distress company there is a possibility that it could be having negative earnings negative cash flows so the use of pe multiple would not be an appropriate model but we can use ibida uh, देखो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव वैल्यूशन मल्टीपल सच इज रेवेन्यू एंड डबिडा विच आर लाइक टॉप लाइन्स बेसिकली आर यूज मोर पॉपुलर मेजर्स टू वैल्यू डिस्टस फॉर्म देन हेल्दी फॉर्म बिकॉज मल्टीपल सच एस पीई और प्राइस टू बुक ऑफन कैन नॉट बी यूज फॉर अ डिस्टस फॉर्म एनालिस्ट हुर अवेयर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस ऑफन कंसिडर देम सब्जेक्टिवली एट अ पॉइंट फॉर एग्जाम्पल एज्यूम दैट द एवरेज टेलीकॉम फॉर्म ट्रेड्स टू टाइम्स इट्स रेवेन्यू सो यू कैन लाइक

वैल्यूइंग फॉर्म्स इंडस्ट्रस कुछ कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ देखो पू ये पूरा का पूरा कॉन्टेंट उन्होंने यहीं से कॉपी किया है देर इज नो चेंज इन द लैंग्वेज बट क्या हो गया है ना दे उन्होंने कितना कट शॉर्ट किया उसको ट्वेंटी फाइव पेजेस का नोट्स है ये उन्होंने इतना कट शॉर्ट किया तो कई बार एंड आई वर्स थिंकिंग कि मैं क्या पढ़ रही हूँ आई मीन वाई आई एम आई नॉट एबल टू रिलेट विद द कॉन्टेंट कंप्लीटली वैन आई वेंट थ्रू दिस आई कुड कनेक्ट विद एवरी पॉइंट दट दे हैव मैंशन देर बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक Uh, मतलब मैंने क्या बोला हमारा गोल है ओके okay, और मैं उस गोल से भटकूंगी नहीं बिल्कुल भी दाएं बाएं पतली गली लंबी गली जो करना है करके अपना रास्ता निकालते हुए मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी और तुमको भी मैं वही कहती हूँ बिकॉज़ यू कैन नॉट रिएक्ट टू एवरी स्टिमलाई दैट यू फेस समझ में और मारा मैं क्या कह रही हूँ हर पत्थर पर तुम रिएक्ट नहीं कर सकते जिंदगी में अपना रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ जाओ करेक्ट है और जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं ना उनको मार्केट अच्छे दे डोंट लाइक पीपल डोंट लाइक पीपल हु क्रिप अलॉट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा तो मैं तुमको डाल दूंगी मैं देख लेना देखो लिखा है यहाँ पे मॉडिफाइड डिस्काउंटेड वैल्यू गोइंग कंसर्न डी सी एफ एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू लिखा है ना यहाँ पे ये सारे तो यहाँ पे देखो मॉडिफाइड फ्लो में लिखा ये सेम पर कैन यू नॉट सी कि पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ बीटास लिखा हुआ है बॉटम ऑफ बीटास एंड अपडेटेड अब क्या क्या किया उन्होंने यूजिंग अपडेटेड डेट इक्विटी रेट लिखा बॉटम ऑफ बीटा नहीं लिखा उन्होंने बिकॉज अगर बॉटम ऑफ बटा लिखते तो उनको बॉटम ऑफ बीटा का फिर एक्सप्लेनेशन करना पड़ जाता टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग अपडेटेड मेजर्स ऑफ डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द फॉर्म टू एस्टिमेट सेम पैराग्राफ यू कैन जस्ट मैच इट हमारे पास में बुक है ऑलरेडी उसके बाद में ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डीसीएफ वैल्यू ऑफ इक्विटी वन माइनस प्रोबर्टी ऑफ डिस्ट्रेस प्लस डिस्ट्रेस सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी प्रोर्टी ऑफ डिस्ट्रेस दैट मीनस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू सी कि कैसे कैलकुलेट होता है यहाँ पे ये तुम्हारा लेक्चर लंबा जाएगा तुमको जितना देखना है देख लेना नहीं देखना है मत देखना बट आई कॉन्ट हेल्प इट उसने पूरी कैलकुलेशन बताई हुई है यहाँ पे उसके अंदर तो नहीं जा सकते जरूरत नहीं कभी एग्जाम खत्म हो जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस कैसे कैसे यूज द बॉन्ड रेटिंग बॉन्ड रेटिंग वी नीड टू एस्टिमेट अक्यूमलेटिव प्रोबेबिलिटी ओवर पीरियड ऑफ टेन ईयर्स डेट मीन्स क्या लाइकलीहुड है कि बॉन्ड या पेमेंट ओके okay, दसवें साल तक टिल टेंथ ईयर वो uh, जिंदा रह जाएगा मतलब डिफॉल्ट नहीं होगा कहने का मतलब वो हुआ सो यूज द बॉन्ड रेटिंग टू एस्टिमेट द क्यूमिलेटिविव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस ओवर टेन ईयर एक मेथड ये होता है एस्टिमेट द प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस विद अ प्रोबिट सेकंड मेथड ये होता है एस्टिमेट द प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस बाय लुकिंग एट मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स आई कैन टेल यू देव गिवन एग्जाम्पल फॉर वन फर्स्ट एंड द थर्ड देखो ध्यान से अभी देखोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें तो कंफर्ट आ जाएगा अब देखो रेटिंग के हिसाब से सो क्यूमिलेटिव प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस फॉर फाइव ईयर्स ओके एंड क्यूमिलेटिव प्रोबिलिटी ऑफ़ डिस्ट्रेस इज फॉर टेन ईयर्स ये दिया हुआ है यहाँ पे करेक्ट है तो आई मीन यू कैन जस्ट सी गा इसके क्या दिया हुआ है पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ट्रिपल ए का बहुत कम है सी माइनस का बहुत ही ज़्यादा है एटी परसेंट है और ये एटी सेवन पॉइंट वन सिक्स परसेंट है करेक्ट है सो यू कैन यूज़ एनी मेथड टू कैलकुलेट प्रॉबीबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस वो बताना चाह रही हूँ बट देव नॉट गिवन एनी सच क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन एनी सच डेटा ओके सो यू कैन बी रिलैक्सड सो थोड़ा भी अगर तुमको पता है तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर गाइज ठीक है एक और मेथड यूज किया है देखो बॉन्ड प्राइस टू एस्टिमेट प्रोबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस ये मुझे काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ग्लोबल क्रॉसिंग हैज अ ट्वेल्व परसेंट ओपन बॉन्ड विथ एट ईयर्स टू मेच्योरिटी ट्रेडिंग एट डॉलर सिक्स फिफ्टी थ्री नॉर्मल बॉन्ड का डेटा है टू एस्टिमेट द प्रोबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विद अ ट्रेजरी बॉन्ड रेट ऑफ फाइव परसेंट यूज एस रिस्क फ्री रेट देखो यहाँ पे क्या क्या है यू आई एम श्योर यू नो हाउ टू कैलकुलेट द आई आर आर आता है ना तो यहाँ पे क्या किया है प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो उसकी इक्वेशन डाल रखी यहाँ पर सिक्स फिफ्टी थ्री तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया प्राइस है ये और ये देखो यहाँ पे समेशन का साइन दिख रहा है समेशन क्या, क्या मतलब क्या हो गया सो so बेसिकली अगर मैं डिस्ट्रेस वाले पार्ट में तो मैं कैसे लिखती सिक्स फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू वन ट्वेंटी इन टू पी वी एके फाइव परसेंट कॉमा सपोज कितने साल का लेना है एट ईयर्स का लेना है ओके एंड प्लस वन थाउजेंड इन टू पी वी आई एफ ओके फाइव परसेंट कॉमा एट ऐसे लेते हैं हम लोग करेक्ट है सो दिस पीवियस वॉट समेन ऑफ एट ईयर्स राइट इन्होंने सिर्फ एक चीज ऐड कर दी कि ये वन ट्वेंटी में वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस माइनस कर दिया दैट मीन्स वन अगर वन ट्वेंटी लेते हो दैट मीन्स आने का चांस हंड्रेड परसेंट है तो अगर तुम वन माइनस प्रॉबलिटी ऑफ डिस्ट्रेस करते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा गाइस कि हर साल हर साल जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा तो 120 की वैल्यू जब तुम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू कम 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 होती चली जाएगी आई एम श्योर यू आर गेटिंग तो वो सॉल्व करके निकाला है तो एनुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना हो गया थर्टीन करेक्ट है एनुअल अब अप्यूमिलिटी प्रोबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टेन ईयर्स इज वन माइनस पॉइंट वन थ्री फाइव थ्री रेस्ट द पावर टेन दैट मीन्स कम्यूनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग अगर ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री सेवन यानी कि दसवें साल तक तुम सर्वाइव कर जाओगे उसके चांसेस है ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री सेवन परसेंट और वन माइनस उसको निकालोगे तो निकल जाएगा सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट अब ये सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री तुम्हारा हो गया ऑफ जो ऊपर मैं मार्क कर रही थी उसके लिए डेटा ओके okay? और उसके बाद गए उन्होंने देखो यहाँ पे तो कैसे निकाला है सब देखो यहाँ पे वैल्यूइंग प्रोवर्टी ऑफ डिस्ट्रेस कम्यूनिटी प्रोविटी ऑफ डिस्ट्रेस ये अभी कैलकुलेट करा सो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर डिस्ट्रेस सेल वैल्यू इक्विटी व नहीं था तुम्हारा जहाँ पे तुम वैल्यू करो एज पर द गोइंग कंसन और वेटेड एवरेज ले लो वो वाला एग्जाम्पल ये सो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इतना है डेटोर इक्विटी दोनों आ गया उसके अंदर में डिस्ट्रेस सेल वैल्यू मतलब तुम्हारी जो कंपनी है अगर डिस्ट्रेस में आ गई मार्केट को पता चल गया तो तुम्हारी बुक वैल्यू फोर्टीन फाइव थर्टी वन का अगर एसेट्स uh, है उसकी वैल्यू तुमको सिर्फ इतनी मिलेगी दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट थ्री सिक्स डबल थ्री ही मिलेगा तो ओब्वियस ये बात है डेट तुम्हारा इतने का इक्विटी वाले को कितना मिलेगा कुछ भी नहीं ओके सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द इक्विटी इफ इट वॉज अ गोइंग कंसर्न देन वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक जो भी कैलकुलेट किया डिस्ट्रेस तुम्हारा जो है और कैलकुलेट करके ये प्राइस ये निकाल दिया इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इफ यू हैव नॉट सीन इट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट आल्सो फॉर श्योर तो ये पूरा दिया हुआ है गाइस दैट इज़ आई वांटेड टू वैल्यू एड इन योर टीचिंग एंड आई डिड नॉट वांट टू टीच यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग फॉर दैट मैटर अब तुम खुद देखो कि एक तरीका तो क्या है ना कि यू कैन जस्ट कीप ऑन क्रीबिंग दैट आई सी हैज नॉट गिवन वी आर नॉट डूइंग हाउ डू वी आई डू सो बिलीव मी देर इज ऑलवेज अ वे आउट इन लाइफ एंड लाइफ जितना ज़्यादा चैलेंजेस लाइफ तुम्हारे पे थ्रो करेगा तुम उतना ग्रो कर जाओगे अब तुम खुद देखो मैं पढ़ा रही थी अगर उन्होंने अच्छा खासा डेटा मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ वा ये वाला बिकॉज अभी रिसेंटली तो आई नॉट स्टडीड बिकॉज uh, ये फॉल में तो अभी ऐड हुआ ये सो पढ़ा था मुझे भी याद नहीं कि क्या इट इज़ लाइक वे बैक फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर्स पहले आई मीन सो बट विथ रेलिवेंस टू सी ए फाइनल यू नो मुझे भी मौका मिला ना आई लर्न समथिंग आई डाउनलोडेड समथिंग आई वेंट थ्रू और तुमको पढ़ाने के बाद मैं फिर से उसको आई विल गो थ्रू एंड पॉसिबली इन द नेक्स्ट बैथ आई विल ट्राई टू इन कारपोरेट वन सम और फ्रेम वन एग्जाम्पल ऑन अ वेरी वेरी इजी बेसिस जो कि करिकुलम का पार्ट बन जाएगा सो इट इज़ इन अ वे यू नीड टू ग्रो ऑन अ डेली बेसिस स्टॉप क्रिबिंग स्टार्ट वर्किंग हार्ड लाइफ विल और जिंदगी में भगवान हमेशा तुमको Uh, आगे लेके जाएंगे जस्ट कीप फेथ ऑन दैट ऑल माई टी आई एम नॉट सिंग आई एम अ वेरी बहुत मैं पूजा करती हूँ ऑन ऑल दैट बट आई आई डेफिनेटली बिलीव इन अ लॉट इन माई ओके आफ्टर डिस्कशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर टू डिस्कस इज वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई एम श्योर ऑल द यंगस्टर्स आर सो अट्रैक्टेड

प्रैक्टिस से अच्छी मुझे कोई चीज लगती नहीं है मैं चार्ट अकाउंटेंट नहीं हूँ बट इफ़ यू कुड स्टैब्लिश प्रैक्टिस दर इज़ नथिंग लाइक ऐसा करियर नहीं है ऑफकोर्स द ग्लैमर विच इज़ अटैच टू वर्किंग विद सम बिग मल्टी नेशनल कंपनी इज डिफरेंट बट द सेटिस्फैक्शन ऑफ Uh, developing your own business and making it big is completely different, okay? But लेकिन तुम अपनी प्रायोरिटीज़ को देखो तुम अपना इंटरेस्ट चेक करो और उसके हिसाब से डिसाइड करो क्या करना चाहिए without wasting time. जो उन्होंने लिखा है वो मैं डिस्कस करूँगी और उसके बाद हम उस पर थोड़ा अंडरलाइनिंग वगैरह करके आगे बढ़ जाएंगे So we डिस्कस three models. That's what they have written. Three models. One is earning based or cash flow based model, then asset model and then market approach. So in earning or cash flow approach, we assume that the company is going to be like Like perpetual and a going concern, and we try to compute the uh, present value of the cash flows by discounting the cash flows. We assume karte that particular

ये बात ये फ्लो आएगा तुम्हारे लेक्चर का देन एसेट अप्रोच सो हियर वी कैलकुलेट द रियलाइजेबल वैल्यू और अगर मैं कंपनी को लिक्विडेट करती हूँ आज तो क्या रियलाइज़ होगा मुझे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद जो मेरे पास पैसे बच जाएंगे दैट मनी विल बी गोइंग टू द इक्विटी बट यूजअली कुछ बचता नहीं है दैट इज एसेट्स अप्रोच यूजअली दिस मॉडल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू वैल्यू अ कंपनी विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन और री स्ट्रक्चरिंग ओके दैन मार्केट अप्रोच इन मार्केट अप्रोच वी डू आइडेंटिफाई सम कम्पेरेबल फॉर्म्स ओके डू आइडेंटिफाई गुड फाइनेंशियल रेशियोज लाइक डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट और पियर ग्रुप के हिसाब से हम मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं और वो मल्टीपल्स को हम हम यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के वैल्यूएशन करने के लिए बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट assumption here is that the company that we have chosen are good healthy fine and we assume that my company is also healthy and fine that way that is market approach ye tino model humne discuss kiya detail mein that what is the so yahan pe na sentiment man dalo ye acha hai ye kharab hai hum ye baat kare ki ye tino model hai okay, इस तरह से इस model में ऐसे होता है इस model में ऐसे होता है आगे जा करके इन्होंने क्या लिखा है बट दीज मॉडल्स कैन बी ओनली यूज फॉर दोज कंपनीज विच आर स्टैब्लिश्ड Which are established in the market, number one, and potentially generating a lot of positive cash flows today, and they would be generating in the coming future. But when we talk about startups, the startups are not, neither established nor they are generating positive cash flows. Uh, बहुत सारे तो ऐसे तुम्हारे स्टार्टअप्स होते हैं जो सिर्फ एक आइडिया के तौर पे है अभी उनको ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा कस्टमर कौन होगा मार्केट टेस्ट नहीं किया कोई प्रोटोटाइप प्रोडक्ट का नहीं बनाया क्या सर्वे कुछ भी नहीं पता इट इज़ जस्ट अ आइडिया Okay, so this would, these models would not be very appropriate model for the valuation of the startups, but we definitely need to value the startups because quite often we need to raise debt and equity for these startups. Okay, and in order to raise money for these startups, we need to compute the values of these companies, for that matter, and the biggest problem is that we do not have that we do not have any historical data with respect to these kind of companies, you know, and. वी कैन ऑल्सो से दैट इनकी जो वैल्यूएशन है तो हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड है नहीं इनका जो भी है फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं ओके कई बारी तो खाली एक आइडिया है कई बारी ये भी है कि भाई वो जो बंदा है जो सोच उसके दिमाग में बात है और वो उस कॉन्सेप्ट को या आइडिया को ही सेल कर रहा है रेवेन्यूज की तो बात ही भूल जाओ या फिर कोई एक बहुत ही कॉम्पिटेंट बनता है लाइक आई आई टी आई एम का बंदा है जिसके पास में एक बहुत वर्केबल यू नो काइंड ऑफ बिजनेस प्लान है और वो कन्विंस कर पाता है तुमको कि कैसे वो एक कमर्शियली सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टार्टअप सो दीज मॉडल्स जो मॉडल्स हमने डिस्कस किए they would not be good models for the valuation of such kind of companies because you do not have anything in history and projection wise also in future how would you project kya project karoge tum ultimately it's all hawa mein sari baatein ho rahi hai and that is why there are certain models which we can use in order to value the startups बहुत सारे हैं उन्होंने कुछ यहाँ पे सजेस्ट किए आगे जाके तुम पढ़ोगे और अच्छा topic है काफ़ी अच्छा topic है मैं पढ़ती हूँ तुम्हारे लिए सो अर्निंग कैश अप्रोच इन दिस अप्रोच एस्टिमेटेड कैश flows फॉर for द foreseeable फ्यूचर आर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू अच्छा एक बात और ये जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप ये जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं कि एक्चुअली ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये कैसे है कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की थ्योरी डाली है आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट तो ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी सारे चैप्टर्स की डाल चुकी हूँ तो ये पूरे एक प्रोसेस में रिकॉर्डिंग चल रही है उसके बीच में वैल्यूएशन ऑफ़ द डिस्ट्रेस्ड कंपनीज एंड वैल्यूशन ऑफ स्टार्टअप का जो क्लिप है क्लिपिंग जो क्लिप है वो क्लिप हम क्या करने वाले हैं उसको कट करके हम अलग से भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे सो so दैट कि अगर कोई बच्चा फ्यूचर में रेफ़र करना चाहे सिर्फ ये दोनों टॉपिक तो सिर्फ उतना पार्ट वो देख सकता है आधे घंटे का वीडियो होगा वरना द रिकॉर्डिंग इज़ एक्चुअली तो मैं ये फील होगा कि ये अलग से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल वीडियो विच आई हैव रिकॉर्डेड फॉर बिजनेस वैल्यूशन दिस इज़ 13th चैप्टर इन द सलेबस ऑफ afm एफ एम एक्चुअली आई होप यू अंडरस्टैंड ओके तो जो बच्चा देख रहा है थियरी के लिए उसको तो कोई टेंशन ऐसे भी नहीं है ओके एसेट अप्रोच दिस अप्रोच इज जनरली यूज वेन द बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसान ड्यूरिंग लिक्विडेशन अना द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड based on their current realizable value and that is considered as value of the business. Then market approach, this approach assigns the value of a business based on the value of comparable companies in the similar industries adjusted for the specific parameters. Means you know when you choose a comparable, you would not be able to identify a completely same look alike. अगर मैं कंपेरेबल फॉर्म्स अप्रोच यूज़ कर रही हूँ तो सामने जो मैं प्रॉक्सी आइडेंटिफाई करूँगी जो पीयर ग्रुप होगा वो बिल्कुल मेरी जैसी कंपनी होगी इज़ इट पॉसिबल टू गेट सच अ कंपनी नो इट्स नॉट पॉसिबल सो जो भी डिफरेंसेस होंगे ओके वॉट यू कैन डू यू कैन कुछ चीज़ों में शायद मैं ज़्यादा अच्छी आई वुड बी अ बेटर कंपनी कुछ चीज़ों में शायद आई एम दैट कंपनी इज़ बेटर सो यू विल कैलिबरेट दोज़ यू नो पैरामीटर्स एंड ट्राई टू वैल्यू अकॉर्डिंगली ओके सो दैट द वैल्यू दैट यू कंप्यूट एंड कम आउट विथ इज़ अ क्वाइट अ फेयर वैल्यू फिर लिखा है वन कॉमन फीचर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये वन कॉमन फीचर इन अप्रोच इज दैट इट प्री सपोज इज अजनेस इज इस्टैब्लिश्ड एंड जनरेट्स कैशलोज यूजिंग इट्स एसेट्स ओके ऑन द कॉन्ट्री इट इज डिफिकल्ट टू कॉल स्टार्टअप्स एस्टैब्लिड इन एनी सेंस और अज्यूम दैट देयर कैश लोज आई मीन आई यू नो वॉट आई एम ट्राइंग टू टॉक प्रॉफिटेबिलिटी सीम्स टू बी अ करस टू वि स्टार्टअप सर्कल्स लाइक लाइक द वैलुएशन बोल रहे कि लेकिन हमको वैलुएशन तो करना ही पड़ेगा ना किसी ना किसी वजह से तो हर वक्त वैल्यूशन करनी पड़ेगी डेट तुमको रेस करना है तुमको इक्विटी रेस करना है तो सामने जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करेगा बोलेगा तुम्हारी कंपनी की वैल्यू कितनी है और तुम्हारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं तुम तो हम तुम तो तुम्हारे पास एक आइडिया है जो कि हो सकता है मार्केट में टेस्ट हुआ हो, हो सकता है तुमने पॉजिटिव रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया हो या फिर स्टार्टअप इज़ अ वेरी ब्रॉड वर्ड Startup can be used. This is word startup company can be used for a variety and a range of like milestones. It could be a situation where we I'm just thinking, okay, I want to put up this business and I've just a blueprint of that. Okay, the hi idea I'm just trying to convince by and all that. I have already like implemented and executed the model, and I'm able to generate some cash flows, or soon my company will become positive. That will also be called a startup. So it depends, but we do not have a track record. देन द वैल्यू दिस पैराग्राफ इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइड ये पढ़ना ठीक है मैं थोड़ा सा इसको करके छोड़ देती हूँ द वैल्यूज रेस्ट इंटायरली ऑन द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ओके देन विच इन मेनी केसेज इज़ बेस्ड ऑन अनटेस्टेड आइडिया ओके एन मे नॉट हैव बिन बेस्ड ऑन एडिकुएट सैम्पलिंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर द एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ आर ऑल्सो ऑफन बेस्ड ऑन असमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस ड्राइव एंड सेल्फ बिलीफ एट टाइम्स ऑफ व वेरी हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट मैनेजर एंड हैविंग अ कैपेसिटी टू कन्वर्ट अ promising आइडिया टू कमर्शियल सक्सेस ये आगे और नहीं पड़ी यही लाइन्स पर बातें कर रहे हैं अभी उसके बाद ये बोल रहे हैं वाई ट्रेडिशनल मैथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड ओके वाई ट्रेडिशनल मैथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड उन्होंने कुछ यहाँ पे बोला उसके बारे में बता दे मतलब हर मॉडल के बारे में बोला है कि भाई आप इनकम या कैशल मॉडल क्यों नहीं लगा सकते आप एसेट अप्रोच क्यों नहीं लगा सकते या मार्केट अप्रोच क्यों गुड पॉइंट दिस दिस कैन बिकम अ गुड कैंडिडेट फॉर अ केस स्टडी फॉर दैट मैटर तो तुमको पढ़ना पड़ेगा ये ओके वेरी वेरी मैं समझा देती हूँ सो इनकम अप्रोच सो सी बात है कि हाउ वुड यू बी लाइक यूजिंग एन इनकम अप्रोच इफ द कंपनी हैज नॉट इवन स्टार्टेड जनरेटिंग द रेवेन्यूज एंड इन ऑर्डर टू यूज द इनकम अप्रोच और कैश फ्लो मॉडल यू नीड टू हैव पॉजिटिव कैश फ्लोज एज ऑफ टूडे एंड इन द कमिंग फ्यूचर विच यू कैन डिस्काउंट एंड कम्प्यूर द वैल्यू बट हियर इधर You do not have any revenues. You do not have positive cash flows, or even if you have positive cash flows, they are very, very minimal. In that scenario, it will not be possible for us to apply uh, income approach. Then they are talking about asset approach. So they are saying that in these kind, mostly the startups do not have very heavy assets for that matter. They ha they have a lot of intangible assets like intellectual property rights and many like more like intangible assets, but. हार्ड एसेट्स इनके पास में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एंड डैट इज वाई एसेट्स अप्रोच वुड नॉट बी टू मच अप्रोप्रिएट दूसरी एक और बात कह रहे हैं एसेट्स अप्रोच वी यूजअली अप्प्लाई वैन द कंपनी इज़ इन द लिक्विडिटिंग मोड वेर एज वी आर अज्यूमिंग डेफिनेटली कंपनी शुरू ही हुई अभी तो वी वुड अज्यूम दैट द स्टार्टअप इज अ गोइंग कंसर्न सो लुकिंग एट बोथ द फैक्टर्स ओके वन द कंपनी माइट नॉट हैव टू मनी एसेट्स जिसके बेसिस पे हम वैल्यूशन कर पाएँ दूसरा सिंस इट इज अ स्टार्टअप वी आर अज्यूमिंग दैट द कंपनी विल डेफिनेटली लाइक be there in the market for years to come. that means you are assuming a going concern in that scenario. use of assets approach would not be a recommended idea. then market approach. then they are saying that these startups are basically market disruptors. for example, when amazon came and started selling in the retail industry, every damn thing in the market. it disrupted the physical market completely. so you are not going to get too many peer group as competition. but at tunkisco, they तुम तुम स्टार्टअप हो और तुमने ही पूरा मार्केट को आके डिस्टर्ब कर दिया अब तुम बताओ कि तुम्हारे जैसी कौन सी दूसरी कंपनी है जिसके जिसको मैं कंपेरेबल फॉर्म के तौर पे प्रॉक्सी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करूँ और उनके बेसिस पे तुम्हारी मैं कैलकुलेशन करूँ पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है बट स्टिल

ओके खत्म ना वैल्यू ड्राइवर्स फॉर स्टार्टअप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन सो व्हाट आर द वैल्यू ड्राइवर्स ओके कैसे डिफरेंट होगा क्या होगा वैसे ये टॉपिक अब अपने को पढ़ना है ये टॉपिक के बाद ये थोड़ा लंबा ही आएगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद यू विल हैव टू लाइक आई डिस्कस विद यू ऑल द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप मैंने एक छोटी सी शीट भी बनाई है जहाँ पे थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हैं हर मॉडल के साथ में वो डिस्कस करेंगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा तो आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी डिस्कस टू मिनट्स बैक एंड वी कैन लाइक आगे बढ़ते हैं सो so, ये क्या टॉपिक में बोल रहे हैं ये लोग पता है तुम्हें ये लोग ये बोल रहे हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसकी वजह से स्टार्टअप की वैल्यू ज़्यादा होगी ये कहना चाह रहे हैं सो फर्स्ट पॉइंट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे वाइल एवरी स्टार्टअप कैन बी वास्टली डिफरेंट वी नाउ टेक अ लुक एट अ फ्यू की वैल्यू ड्राइवर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टार्टअप द फर्स्ट वन अंडर दिस कैटेगरी इज प्रोडक्ट दैट मीन्स उन्होंने जो लिखा है मैं वही बोलूंगी द यूनिकनेस एंड द रेडीनेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्टअप विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्युएशन दे आर सेग दे दैट कि दो सिचुएशन सपोज हम लोग रखते हैं एक सिचुएशन में तुम सिर्फ इमेजिनेशन में बातें कर रहे हो प्रोडक्ट ऐसा होगा सर्विस ऐसी हो कैंड ऑल दैट वेर एज इन अ सेकेंड सिचुएशन यू हैव ऑलरेडी बिल्ड सम काइंड ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू आर लाइक यू आर ऑलरेडी लाइक फंक्शनल हो चुका है तुम्हारा मॉडल या तुम्हारा जो प्रोडक्ट तुम मार्केट में ऑलरेडी बेचना शुरू कर चुके हो तो इस केस में जब तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बन चुका है तुमने बेचना शुरू कर दिया है एंड ऑल दैट उस केस में तुम्हारे स्टार्टअप की वैल्यूएशन ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू अ स्टार्टअप विच इज लाइक जस्ट एन आइडिया फॉर द प्नाटा ओके द यूनिकनेस एंड द रेडीनेस लिखा है ऑफ द प्रोडक्ट ओके और सर्विस ऑफर्ड बाई सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कंपनी इज वैल्यूएशन अ कंपनी दैट इज रेडी विदुली फंक्शनल प्रोडक्ट और प्रोडक्टाइप और सर्विस ऑफरिंग विल अट्रैक्ट हायर वैल्यू देन वन हुस ऑफरिंग इज स्टिल एन आइडिया आई थिंक यू हैव अंडरस्ट द पॉइंट दैन मैनेजमेंट सो मोस्ट ऑफ दाइम्स दीज ईयर्स वी हैव सीन दैट ऑल द स्टार्टअप मेजरली द स्टार्टअप आर लाइक ये जो आइडिया आया ये पूरा आई इंडिया की अगर बात करें तो आई आई टी आई एम्स का काफ़ी ज़्यादा था ओके दे आर सेंगट कि द uh, मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी डाइवर्सिफाइड होगी उस स्टार्टअप की वैल्यूशन मार्केट में उतनी ज़्यादा होगी तो कैसे होता ना कि मान लो कि देर वेर लाइक टेन स्टार्टअप्स विच यू आर डन बाई आई आई टीज और आई एम्स एंड फॉर देट मैटर एंड दे आर ऑल सक्सेसफुल एंड देर देव बिकम गुड बिग यूनिकॉन्स फॉर देट मैटर राइट सो इफ देयर इज अ स्टार्टअप विच इज़ लाइक बींग डन बाय आई टी आई एम गाय और समथिंग लाइक देट तो एक नेचुरल सा कन्विंसिंग फैक्टर आ जाता है कि बॉस ये लोग कर लेंगे दैट वे सो इट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑन द स्ट्रेंथ एंड द बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट इन केस ऑफ द वैल्यूएशन फॉर दैट मैटर लेकिन उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट भी बहुत डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर इट इज़ द मैनेजमेंट इज ओनली आई आई टी इज रादर देन दैट इफ द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ आई आई टी एंड आई एम्स एंड एवरी थिंग दट मीन्स ऑल काइंड ऑफ पीपल आर देयर द वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप वुड बी हायर इफ द मैनेजमेंट इज लाइक ए स्ट्रांग

of the indian unicorn startups have founders from iit or iim while it may seem unfair prima facie it is fact that if the founders are educated from elite schools and colleges the startup is looked upon more favorably by the investors and alike kind more favorably by सबको ही तुम भी वैसे सोचते हो मैं भी वैसे सोचती हूँ अकॉर्डिंगली इट इज इंपरेटिव टू कंसिडर द क्रडेंशियल एंड बैलेंस ऑफ द मैनेजमेंट फॉर इंस्टेंस ए टीम विथ इंजीनियर्स इज नॉट एज वेल बैलेंसड एज ए टीम कंप्राइजिंग इंजीनियर्स फाइनेंस प्रोफेशनल एंड एम बी ए ग्रेजुएट्स आई थिंक वी ऑलरेडी डिसकस्ड देन द थर्ड पॉइंट हिर इज ट्रैक्शन सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आइडिया इफ यू कैन पुट योर मॉडल इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटेटिव फिगर्स कि भाई तुम्हारे कस्टमर्स कौन होंगे तुम कितना सेल कर पाओगे और यू नो इफ यू कुड प्रोवाइड सम प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव फिगर्स द वैल्यू ऑफ द स्टार्टअप वुड बी हायर रादर देन ओनली डिस्कसिंग द आइडिया ट्रैक्शन इज अ क्वांटिफाइबल एविडेंस दे द प्रोडक्ट और सर्विस वर्क एंड देर इज अ डिमांड फॉर इट द बेटर द अट्रैक्शन द मोर वैल्यूबल द स्टार्टअप वुड भी द रेवेन्यू जितनी ज़्यादा हायर स्ट्रीम होगी रेवेन्यूज की वो वैल्यूशन उस स्टार्टअप का उतना ज़्यादा होगा लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना आज की डेट में दे हैव ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट एंड दैट इज़ वाई दे आर पुटिंग मनी एंड द वैल्यूशन ऑफ़ नेगेटिव जनरेटिंग कैश कैशलेस कंपनीज आर ऑल्सो हैविंग हाई बिलियंस ऑफ वैल्यूएशन राइट बट इफ द कंपनी इज एबल टू जनरेट पॉजिटिव रेवेन्यूज एंड हाई रेवेन्यूज नेचुरली द वैल्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ स्टार्टअ वुड भी हायर देन इंडस्ट्री एक्ट इन्होंने क्या लिखा है मैं एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया वो पहले बोलती हूँ तुम वो समझ जाएगा कि ये भी डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में तुम्हारा स्टार्टअप है उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम टूरिज्म इंडस्ट्री में कोई स्टार्टअप चालू करते हो और मान लो कि वापस से कोविड आने के चांसेस हो जाते हैं तो नेचुरली ही तुम्हारा स्टार्टअप अनअट्रैक्टिव हो गया बिकॉज चाहे जितना अच्छा तुम्हारा मॉडल होगा अगर कोविड वापस आता है ऐसा कुछ लॉकडाउन वगैरह कुछ ऐसा होता है तो तुम्हारी जो तुम्हारा जो बिजनेस है वो नहीं ही चलेगा तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट वॉट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग द स्टार्टअप इज इंटू सो देर आर स्टार्टअप जो कि एवर ग्रीन होते हैं कुछ भी हो जाए वो बिजनेस चलना ही चलना है ओके okay, लोग लो बोलते हैं फूड एंड ग्रोसरी का बिजनेस ऐसा है कि जब तक सिविलाइजेशन है जब तक इंसान जिंदा है वो चलेगा ही चलेगा सो द वैल्यूशन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री इन विच द स्टार्टअप इज़ देयर न डिमांड एंड सप्लाई और अगर इंडस्ट्री तुम्हारी अट्रैक्टिव है तो ओबियसली इन्वेस्टर देर वुड बी लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वुड बी वॉन्टिंग टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ स्टार्टअप जैसे डिमांड बढ़ेगी नेचुरली वैल्युएशन ज्यादा बढ़ जाएगी कॉम्पिटिटिवनेसवियसली वी वुड बी वॉन्टिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एजेंचर्स एज प्राइवेट एक्विटी वेर द कॉम्पिटिशन इज लेस खत्म ना मेथर्ड्स ऑफ वैल्यूइंग द स्टार्टअप मैंने एक शीट भी बना रखी है जहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा मॉडल्स नहीं दिए तुमको उतना ही फोकस करना जितना उन्होंने दिया हुआ डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा बट येट इफ यू सी आई विल अगेन अपलोड द शीट इन ऑन माई ग्रुप ऑफ टेलीग्राम यू कैन जस्ट गो थ्रू ओके बिकॉज देर आर सम एग्जाम्पल्स सम क्या होता है कुछ नुमेरिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे तो वी आर एबल टू अंडस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर इंस्टेड ऑफ थियोरी पार्ट ओके सो द नेम ऑफ द मॉडल्स आर बर्कर्स अप्रोच देन यू हैव कॉस्ट डुप्लीकेट अप्रोच कंपेरेबल ट्रांजेक्शन अप्रोच स्कोर कार्ड वैल्युएशन मेथड एंड फर्स्ट शिकागो मेथड एंड वेंचर कैपिटल मेथड मैं तुमको तो समझा देती हूँ फिर उसके बाद मैं शीट पे जाऊँगी ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले बर्कस अप्रोच इट इज़ द नेम ऑफ द इज़ अ दवे बर्कस ऐसे अगर कुछ नाम है तो दिस मॉडल सुनना ध्यान से दिस मॉडल इज गुड फॉर दोज काइंड ऑफ स्टार्टअप विच आर इन द प्री रेवेन्यू फेज कहीं लिखा होगा जो लिखा ना दवे बर्कस लिखा हुआ भी है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ओके प्री रेवेन्यू जो फेज में जो स्टार्टअप्स होते हैं ना उनकी उसकी वैल्यूशन के लिए ये मॉडल यूज़ किया जाता है वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो लोअर रेंज है वैल्यूशन का वो टू मिलियन डॉलर्स होना चाहिए और जो अपर रेंज है वो टू पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स होना चाहिए और जो स्टार्टअप की वैल्यूशन है वो इन फैक्टर्स फाइव फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है नंबर वन द बेसिक वैल्यू नंबर टू द टेक्नोलॉजी नंबर 3 द एग्जीक्यूशन स्किल्स नंबर 4 द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स एंड नंबर 5 प्रोडक्शन एंड सेल्स ओके तो उस क्या होगा ना सबके बाजू में वैल्यू लिखी हुई रहेगी तुम क्या करोगे सबको ऐड कर दोगे और वो हो गया वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस अप्रोच इज़ यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टार्टअप व्हिच इज़ इन द प्री रेवेन्यू फेज जब मैं तुमको शीट दिखाऊंगी ना तुम समझ जाओगे वहां पर लिखा हुआ होगा सो दिस इज़ डन और पांच फैक्टर्स को उन्होंने Uh, ये ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू दे कैन आस्क इन द एम सी क्यूज एंड एवरी थिंग द नेक्स्ट मॉडल दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस देखो लिखा हुआ है दिस मैथड कैप्स द प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन एट डॉलर टू मिलियन पोस्ट रेवेन्यू वैल्यूशन एट टू पॉइंट फाइव मिलियन देन द नेक्स्ट मॉडल दैट वी कैन यूज टू वैल्यू स्टार्टअप इज कॉस्ट टू डुप्लीकेट अप्रोच ये क्या होता है कि ये मॉडल ये कहता है कि अगर जिस स्टार्टअप की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं सो so, how much cost will, will it uh, take to create the same startup again you know this Do you otapa whatever expenses you have done in order to buy the fixed assets okay and other expenses that you have incurred you add that and you will remove the value of the intangible assets okay that means cost to duplicate approach means whatever cost that would be incurred in order to duplicate the same model एज अ गिवन स्टार्टअप दैट इज कॉस्ट टू डुप्लीकेट अप्रोच ओके देखो लिखा हुआ है द कॉस्ट टू डुप्लीकेट अप्रोच इन वॉस्ट टेकिंग अकाउंट इन टू अकाउंट ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसिस एसोसिएटेड विथ ओके द स्टार्टअप एंड इट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द परचेज ऑफ इट्स फिजिकल असैट्स ओके नाव जैसे आर एंड डी का खर्चा लगा एंड ऑल दैट ऑल्स द एक्सपेंसिज आर कंसिडर्ड टि टर्माइन द स्टार्टअप फेयर मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द एक्सपेंसिस दिस अप्रप्रोच इज ओवन क्रिटिसाइज फॉर नॉट फोकसिंग ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू प्रोजेक्शन ऑर द एसेट्स ऑफ द स्टार्टअप डोंट हैव टू बॉदर अबाउट ऑल दट क्या है वो समझ लो तुम नाउ कंपेरेबल ट्रांजेक्शंस मेथड दैट मीन्स यू विल आइडेंटिफाई ट्राई टू आइडेंटिफाई अ सिमिलर कंपनी और सिमिलर स्टार्टअप इन द मार्केट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट Uh, you know comparison. You can compute the value of the startup under contemplation or under consideration. Example से तुम समझ जाओगे यहाँ पे देखो यहाँ पे Imagine एक्स वाई जेड यहाँ देखना ध्यान देना ओके इमेजिन एक्स वाई जेड लिमिटेड लॉजिस्टिक स्टार्टअप वॉज अक्वायर्ड फॉर रुपीज फाइव सिक्सटी करोर्स इट हैड ट्वेंटी फोर करोर एक्टिव यूजर्स ओके सपोज यू आर वैल्यूइंग ए बी सी लिमिटेड अनदर लॉजिस्टिक स्टार्टअप विथ वन पॉइंट सेवन फाइव करोर यूजर्स क्या करोगे तुम पता है तुम 560 करोड़ को 24 करोड़ से डिवाइड कर दो तो मल्टीपल आ गया और उस मल्टीपल को तुम uh, 1.75 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो आई थिंक आंसर आ जाएगा ट्राई करें कैलकुलेट करने का दैट इज़ वही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 560 डिवाइड बाय 24 ओके एंड इन टू विल गिव एन आंसर ऑफ देखो आ गया ना तुम्हारा आंसर फोर्टी करोड अंडर दिस मैटर आंसर एक्जैक्ट आंसर आ रहा है फोर्टी पॉइंट एट थ्री बट यहाँ पे कुछ भी अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा ना क्योंकि दोनों कंपनी की साइज भी कितनी डिफरेंट होगी फॉर दैट मैटर सो विध एनी कम्पेरिजन मॉडल वन नीड्स टू फैक्टर इन रेशियोज और मल्टीप्लायर्स एनीथिंग दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एग्जाम्पल्स वुड बी प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजीज इन टेंजिबल्स इंडस्ट्री पेनिट्रेशन दैट मींस दिस कुड बी द डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन द टू सिमिलर स्टार्टर्स वही मैं तुमको बोली कि बिल्कुल सेम तो हो ही नहीं सकता ना वो जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है मीन्स यू कुड बी बेटर एट सम फ्रंट्स एंड यू माइट नॉट बी रियली दैट गुड ऑन सम फ्रंट्स तो जहां पे तुम अच्छे नहीं हो वहाँ पे कैलिब्रेशन करो थोड़ा कम करो और जहां पे तुम बेटर हो वहाँ पे कैलिब्रेशन करके थोड़ा अपनी वैल्यशन को ऊपर लेके जाओ दैट वे दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल ट्रांजेक्शंस मैथड देन स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मैथड अब ये क्या बोला इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बोला कि आप एक मतलब एक कंपनी की बेसिक वैल्यूएशन आप ले लो पहले ओके okay? कंपनी की बेसिक वैल्यूएशन आ गई उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ओके लाइक स्ट्रेंथ ऑफ द टीम देन साइज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट और सर्विस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मार्केटिंग सेल्स नीड एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स ये क्या है पता है जीरो टू थर्टी रेटिंग है ये मतलब तुम जीरो से लेकर थर्टी परसेंट तक की रेटिंग दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम तुम जीरो से लेकर ट्वेंटी फाइव परसेंट तक की रेटिंग दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जीरो टू फिफ्टीन परसेंट ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस जीरो टू टेन परसेंट ऑन कॉम्पिटिव एन्वायरमेंट मार्केटिंग एंड सो ऑन फिर क्या बोला है कि उसके बाद तुम अपने जो तुम्हारा कंपेरेबल होगा कंपनी उसके हिसाब से तुम अपने आप को ग्रेड करोगे दैट उस फॉर एग्जांपल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम फॉर एग्जांपल सो यू आर बिलो 100 परसेंट बिलो पार इक्वल टू 100 परसेंट दैट इज एट पार एंड अब हंड्रेड परसेंट अबव पार यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया बहुत अच्छा कि फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग टीम हैज़ वन का स्कोर वाई बिकॉज योर टीम इज़ थरली ट्रेंड एंड तुम्हारी टीम की मार्केट में बहुत तारीफ़ हुई है एंड पीपुल फील दैट योर टीम इज़ वेरी गुड सो तुम्हारा जो स्कोर है अबव पार है दैट इज़ वन फिफ्टी परसेंट ओके तो अगर वन फिफ्टी परसेंट है तो तुम यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ द टीम है तुम यहाँ पे ले सकते हो ना कहाँ गया वो हाँ मार्केटिंग सेल्स चैनल एंड पार्टनरशिप में टेन परसेंट का जो हाइएस्ट होगा वो तुम ले सकते हो वही तो हो गया यहाँ पे द मार्केटिंग टीम वही मैं बोली कि स्ट्रेंथ ऑफ द टीम नहीं है मार्केटिंग टीम है तो मार्केटिंग टीम को तुम जैसे नहीं होता जीरो टू टेन यानी जीरो टू टेन परसेंट रेंज हो गया तो डिपेंडिंग ऑन वेदर यू स्कोर लेस देन हंड्रेड परसेंट इक्वल टू हंड्रेड और मोर देन हंड्रेड तुमको वो जीरो टू टेन में तुम रेंज हो जाएगा तुम्हारा अब तुम्हारा स्कोर आया वन फिफ्टी परसेंट यानी कि तुम अबव पार हो तो उस केस में सबसे हाइएस्ट हो ना टेन परसेंट जो कि हाइस्ट है तुम्हारा तो यहाँ पे जो फैक्टर कैलकुलेट होगा ना वो कैसे हो गया पता है तुम्हें कि वन ये हो गया 1.5 पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट वन जीरो करोगे ना कैसे आए वन पॉइंट फाइव वन फिफ्टी डिवाइड बाई हंड्रेड करोगे तो 1.5 पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट वन करोगे तो फैक्टर आया 1.15 पॉइंट वन फाइव तो इसी तरह से जैसे 0.15 वन फाइव कैलकुलेट किया ना उसी तरह से ये सारे ये सारे के को यूज़ करके फैक्टर्स की कैलकुलेशन होगी और उसको तुम ऐड कर दोगे और वो ऐड करके बेसिक वैल्यूएशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको आ जाएगा आंसर एज पर द स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड दिस पॉइंट्स दिस टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट बिकाज़ यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक्स फॉर दैट मैटर यू आर नॉट अलाउड टू उसके बाद फर्स्ट शिकागो मेथड फर्स्ट शिकागो मेथड में यू विल ट्राई टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन थ्री सिनारियोज वर्स्ट केस सिनारियो नॉर्मल केस सिनारियो एंड बेस्ट केस सिनारियो ये तुम करोगे उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटीज लोगे फिर एवरेज वैल्यू तुम निकाल दोगे ये खत्म हो गया देन वेंचर कैपिटल मेथड वेंचर कैपिटल मेथड में क्या होता है कि भाई पाँच साल के एंड पे इस कंपनी के कैश फ्लोज कितने होंगे और कोई मल्टीपल होगा टेन एक्स ट्वेंटी थर्टी एक्स उससे मल्टीप्लाई करके तुम कंपनी के वैल्यूशन निकाल सकते हो इफ़ यू आर नॉट लाइक रियली कॉन्फिडेंट कि कैसे हुआ है नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वैल्यूशन ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन शोइंग द शीट दैट आई हैव प्रिपेयर फॉर यू मेरी बेसिक शीट एक्चुअली फटाफट तुमको मैं गो थ्रू करा देती हूँ इसके अंदर में द बर्कस मेथड देखो लिखा है बेसिक वैल्यू ये है ये टेक्नोलॉजी का है ये फाइव लैक का है ये तो, तो टोटल वैल्यू वाली कितनी होगी टू पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स तुम्हारे कंपनी की वैल्यूशन हो गई देखो लिखा है ना यहाँ पे द दर्कर्स मेथड डेवलप्ड बाई द वे वर्कर्स इज सुटेबल फॉर प्री रेवेन्यू स्टार्टअप्स इट फोकसेज ऑन फाइव की सक्सेस फैक्टर्स आर साइनिंग स्पेसिफिक डॉलर वैल्यूज टू ईच ओके सो मिनिमम वुड बी टू मिलियन डॉलर्स मैक्सिमम कैन बी टू पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स ना कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड के अंदर में क्या करोगे तुम कंपेरेबल ट्रांजेक्शन वैल्यू उसके बाद कम्पेरेबल मेट्रिक एंड योर मेट्रिक जैसे हम लोगों ने अभी किया वहाँ पर ना तो यहाँ पे टेन मिलियन डॉलर्स की वैल्यूथ विथ वन मिलियन यूजर्स तो टेन मिलियन डिवाइड बाई वन मिलियन और तुम्हारे कितने यूजर्स हैं वन लैख वो तुम तो मल्टीप्लाई करके वैलुएशन करोगे तो वन मिलियन की डॉलर्स की वैल्यू आ जाएगी स्कोर कार्ड वैल्यशन में जो था ना हमारा हमारे जीरो टू टेन जीरो टू फिफ्टीन वो वाली पार्ट वो वाले पार्ट पे हम ये कर रहे हैं तो लिखा है एवरेज इंटू फैक्ट ये फैक्टर मैंने तुमको अभी बताया कि तुम जैसे पॉइंट वन फाइव निकाला तो सारे सारे जो थे तुम्हारे पैरामीटर्स उन सबके फैक्टर कैलकुलेट करोगे और एड कर दोगे और इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ द एवरेज वैल्यूएशन इज डॉलर टू मिलियन वहाँ था ना बेसिक वैल्यूशन निकालो एंड द स्टार्टअप स्कोर ऑफ फैक्टर वन पॉइंट टू बेस्ड ऑन टीम अपॉर्चुनिटी एंड अदर क्वालिटीज़ लाइक मार्केटिंग एंड ऑल दैट वहाँ पे था सो कम्बाइनिंग दिस शीट विद डैट विल गिव अस अ वेरी वेरी एग्जॉस्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मॉडल्स ऑल्सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट ओके देन कॉस्ट टू डुप्लीकेट अप्रोच दिस मैथड कैलकुलेट्स द कॉस्ट टू रिक्रिएट स्टार्टअप माइनस इन टेंजिबल एसेट्स सो सम ऑफ फेयर मार्केट वैल्यूज ऑफ द फिजिकल एंड अदर रेलिवेंट कॉस्ट खाली कॉस्ट इन टेंजेबल वैल्यूज को तुमको माइनस करना पड़ेगा ओके देन रिस्क फैक्टर्स समेशन मेथड ये वहाँ पर नहीं था सो इनिशियल वैल्यूएशन प्लस रिस्क फैक्टर्स तो इनिशियल वैल्यूशन टू मिलियन डॉलर्स एंड रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से फाइव लाख डॉलर टू पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स की वैल्यून हो गई डिविडेंड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है एवरीबडी नोज हाउ टू डू दैट देन वेंचर कैपिटल मेथड में लाइक like, देखो यहाँ पे इधर टर्मिनल वैल्यू यानी पाँच साल के बाद वैल्यू ट्वेंटी मिलियन डॉलर्स की है तो मल्टीप्लाई विथ फाइव एक्स करोगे तो हंड्रेड मिलियन डॉलर्स की तुम्हारी कंपनी की वैल्यूशन आ गई बुक वैल्यू मेथड कुछ नहीं होता टोटल एसेट्स मारे टोटल लाइब्रेटीज एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड में तैयारी जी देख लेना अगर शीट बोलोगे दे दूंगे अब यहाँ पे क्या लिखा है थ्री सिनारीोज में लिखा है ना एन एक्सटेंशन ऑफ डी दिस मेथड कंसिडर थ्री सिनारी इंक्लूडिंग वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनारी प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ वैलुएशंस और उसके बाद प्रॉबिलिटी प्रोवाइड करके आंसर तुम निकाल दोगे इट और समथिंग आई डोंट थिंक सो सो लाइक ऑल द पीपल लाइक हु हैव सीन दिस लेक्चर ऑफ बिजनेस वैल्युएसन तो अलग से हम ब्रेक करके इस टॉपिक को डालने वाले हैं यूट्यूब पर तो तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट हैज़ बीन कवर्ड बाई यू जब तुम थियरी पढ़ रहे थे बट या yeah, आई वूड डेफिनेटली वॉन्ट की मैं वैल्यू हाउ टू वैल्यू अर डिस्ट्रस्ट कंपनी इतना सा पोर्शन वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स का जो लेक्चर है वो देन हाउ टू वैल्यू अर स्टार्टअप वो वाला पार्ट मैं निकाल कर यूट्यूब पर डेफिनेटली डालूंगी तो यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट पार्ट ओके सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस इज अ वैलुएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म दिस इज वन टॉपिक दैट इज सो इनसेपरेबल ऑन अ डे टू डे बेसिस पूरे दिन में फेसबुक इंस्टा स्पॉटिफाई देन यूट्यूब देन वॉट नॉट यू नो वी यूज़ सो मेनी डि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सबका बिहेवियर देखो बहुत डिफरेंट है जब तक हम पढ़ते नहीं हैं उसको तब तक हमें ये नहीं समझता देट वॉट इज एग्जैक्ट डिफरेंस सो वॉट इज हाउ डू यू वैल्यू सच काइंड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म बिकॉज दे डेफिनेटली हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट वाट्सएप वॉज

सो so, यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन एंड ट्रांजेक्शंस ओके एंड देव इवन द नेम्स ऑफ मेनी लाइक कैटेगरी वाइज लाइक मार्केट प्लेस अगर बोलोगे तो मार्केट प्लेस इज अ लाइक एमेजॉन है तुम्हारा मार्केट प्लेस है वेर यू देर आर बायर्स एंड देर आर सप्लायर्स ओके लाइक अली बाबा एंड ऑल दैट सो दैट इज कॉल्ड अ मार्केट प्लेस दैन सर्च इंजिन लाइक गूगल इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल वेर लाइक

So there you can share, you can chat with each other, you can like share like photographs and you can audio, video and everything for that matter. That is digital communication. Then digital community, digital community, Facebook is the best example where people can socialize with each other. They can like uh, post their pictures, they can post their thoughts, they can post their emotions and everything. That means in a way you are trying to build a social community on that platform that's called digital community and payment platforms may have Google Pay, Razor Pay and all that where... यू नो दी इट फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पीपल और लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फॉर दैट मैटर दीज आर द एक्जाम्पल्स इफ यू वॉन्ट मी टू गो थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ओके दैट फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन यूजर्स प्रिंसिपली प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ट टू फैसिलिटेट मनी टू मैनी इंट्रेक्शन अ फ्यू स्टेशन मार्केट प्लेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे अमेजॉन सर्च इंजिन में गूगल का आंसर आएगा ही आएगा तुम्हारा फिर रिपोजिट्री में आएगा स्पॉटिफाई यूट्यूब एंड ऑल दैट डिजिटल कम्युनिकेशन व्हाट्सएप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स टेलीग्राम स्लैक एंड ऑल दैट दें डिजिटल कम्युनिटी में फेसबुक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल पेमेंट प्लेटफॉर्म में पेटीएम जीप एंड ऑल दैट ओके सो दे आर देआर दैट हाउ डू यू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स तो यहाँ पे ना बहुत सारा डिटेलिंग करा हुआ है इसमें सिर्फ दो या तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं तुमको बोल देती हूँ पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि वॉट इज़ इनकम बेस्ड वैल्यूशन सो इनकम बेस्ड वैल्यूशन में क्या होता है आई मीन इन जनरल दैट वी ट्राई टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एसेट और लाइक आई मीन बिजनेस इज ए सेट फॉर देट मैटर वेर इन यू ट्राई टू कम्पीट द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ द कैश्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी करेक्ट है वो वो जो बेस होता है उस वो इनकम अप्रोच होता है तुम्हारा तो यहाँ पर लोगों ने क्या बोला कि दो तरह के अप्रोच वी कैन टेक इन केस ऑफ वैल्युएशन ऑफ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वन कैन बी टॉप डाउन अप्रोच एंड वन कैन बी डाउन टॉप अप्रोच लाइक दैट तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या बोला इन्होंने कि आप सबसे पहले अपने पोटेंशियल मार्केट की क्वाटिफाई करोगे व्हाट इज़ अ टोटल पोटेंशियल मार्केट एंड द नेम द टेक्निकल नेम फॉर दैट इज़ टोटल एड्रेसबल मार्केट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अब टोटल एड्रेसेबल मार्केट में से यहाँ पे देखो ये लिखा ना टोटल पोटेंशियल मार्केट को टोटल एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं उसके बाद यू विल आउट ऑफ दैट टोटल एड्रेसेबल मार्केट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ अ सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट मतलब कितने मार्केट को तुम रीच कर सकते हो ओके okay? तुम खुद एज अ कंपनी और उसमें से तुम निकालोगे सर्विसबल ऑप्टेनेबल मार्केट मतलब तुम उसमें से कितना कैप्चर कर सकते हो तो वो क्वान्टिफिकेशन आ जाएगी दैट मीन्स कि तुम्हारा पूरा पोटेंशियल मार्केट की साइज कितनी है ओके फॉर एग्जाम्पल इट इस फिफ्टी थाउजेंड करोड़ और वन लैख करोड़ समथिंग लाइक दैट उसमें से कितना रीचेबल है ओके सर्विसबल एडजेसेबल मार्केट देन सर्विसबल ऑप्टेनेबल मार्केट वो निकालोगे okay? और सर्विसिबल ऑप्टेनेबल मार्केट तुम्हारी कंपनी कैसे उतना ले पाएगी यू नो इन टाइम्स ऑफ कैप्चर कैसे कर पाएगी उसका बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लान यू आर गोइंग टू शेयर ओके एंड बेसिकली यू नो द मेन थिंग इन केस ऑफ द वैल्यूएशन यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है गाइस कि इट विल द वैल्यूएशन विल डिपेंड कि हाउ ऑथेंटिक इज़ योर प्रोजेक्शन मतलब जो तुम प्रोजेक्शन करोगे और जिस तरह से करोगे आई मीन हाउ ऑथेंटिक दैट इज़ और कैसे तुम लोगों को कन्विंस करोगे दैट यू विल बी एबल टू तो अचीव दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू

सो द वैल्यूएशन ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म विल डिपेंड ऑन लाइक ये भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई की बात करते हो तो स्पॉटिफाई की वैल्यूएशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है कितने ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करते हैं उसकी डिपॉजिटरी को यूज़ करने के लिए एंड वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सप्लाई सैट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग द कॉन्टेंट देअ सो एवरी Uh, every digital platform would be valued in a different manner, but yeah, more or less they would be they they would look very alike. For example, if it is like uh, GPay, so it all depends on how many people have downloaded GPay uh, app for that matter, how many people are using that uh, app or that digital platform in order to.

Uh, it is not easy to keep tum pure potential market ki tum, uh, configuration karo, bhai, kitna market hai, hum si kitna. so it is a like very complicated or complex task for that matter so basically jo is a nascent stage uh, platform hain, they would not be able to afford both in terms of like effort and money to do that so they will go for bottom top approach wherein they will try to quantify that in so many so and so many years how many subscriber base they will be able to add and how will they be able to generate revenue एंड वॉट विलियड ऑफ टाइम लाइक दैट मैं थोड़ा पढ़ती हूं तुमको एक फील आ जाएगा इसमें <laughs> As mentioned earlier, valuation method under the income approach lay emphasis on projected financial performance, which takes into consideration future revenues and cost using the company-specific revenue. Backward working is required under top-down approach, which starts with the analysis of the total addressable market. The next step is estimate the share in the target market. The company estimates to gain the value. This is often referred to as serviceable addressable market and serviceable obtainable market. The company then needs to estimate its business plan to accomplish its objective and strategy. अ डिजिटल डिपोजिट्री विच अलाउज द स्ट्रीमिंग ऑफ द कॉन्टेंट मे अर्न रेवेन्यू बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर वाइल अ पेमेंट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म में अर्न रेवेज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डन द सेम द डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट फार दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म शेल ऑल्सो अ यूनिक फॉर ईच प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म बजनेस डॉट दैट ऑट आर ट्राइंग टू टेल यू दैट कि ये सारे आएंगे वैल्यूशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंडर में बट सबकी बिहेवियर और सबकी रिक्वायरमेंट और सबका जो रेवेन्यू मॉडल होगा लाइक प्रिसाइसली वो डिफरेंट होगा गाइस okay, because they are software-based, like online infrastructure, they have been clubbed together under the valuation of digital platforms. i think that's easy to understand. the top-down approach can be ambitious for a company at a nascent stage as estimating the market size and market share poses practical challenges. under the bottom approach, the platform can estimate earnings by apabnabata or price like, टॉप बॉटम में क्या हो रहा है पहले आप पूरा मार्केट का साइज निकाल रहे हो फिर आपको लग रहा है भाई कितना मार्केट आप रीच कर सकते हो फिर आप निकाल रहे हो भाई कितना मार्केट मैं कैप्चर कर सकता हूँ कर सकती हूँ लाइक दैट सो इट इज़ नॉट इजी टास्क गज इट इज़ नॉट बी इजी टास्क राधर देन दैट यू टेल ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेसिटी दैट वॉट आर यू गोइंग टू अर्न हाउ मच यू विल भी एबल टू लाइक कितना सब्सक्राइबर तुम इंक्रीज़ कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग सो दैट इज़ योर बॉटम टॉप अप्रोच ओके द प्रोमोटर्स ऑफ सच प्लेटफॉर्म ये क्या बोल रहे है? पता है कि वैल्यूएशन ऑफ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वुड बी डिपेंडेंट ऑन टू थ्री थिंग्स प्राइमरीली द मैनेजमेंट द प्रमोटर्स ओके उनका जो कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस के अंदर में उनकी क्या क्लैरिटी है उनका क्या विजन यही बात यहाँ पे लिख रखी है द प्रमोटर्स ऑफ सच प्लेटफॉर्म कैन डिप्लॉय अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज टू टारगेट हाई मार्जिन सेल्स एंड कॉस्ट कटिंग मेथड्स टू जनरेट द कैश फॉर द प्लेटफॉर्म ओके यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है देखो रुक जाओ इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ एन एंटिटी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू फिल दैट गैप विच इज इन नीड इन द मार्केट क्या कह रहा है इट विल डिपेंड अ लॉट मैं मैं और भी एक्स्ट्रा बोली इट विल डिपेंड ऑन द प्रमोटर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर इन योर विजन दैट एक्जैक्टली तुम क्या टारगेट करना चाहते हो उसके बाद इट विल डिपेंड ऑन द जो इन्वेस्टर्स का जो कई बार इन्वेस्टर्स का सपोर्ट भी बहुत हाई रहता है कई बार नहीं भी रहता है उसके बाद किसी भी बिज़नेस में नॉट ओनली इन केस ऑफ लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ बिजनेस ओके यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर हैड दैट वॉट इज़ दैट गैप ओके Already there which you want to fulfill with the help of your business model so that that that's what they are using in case of valuation वायलेशन uh, digital platform. But I am saying it is true for any business model. कि बिज़नेस मॉडल तुम्हारा तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात की क्लैरिटी नहीं होगी क्योंकि देखो आज के समय में सबको सब कुछ आता है बहुत सारे competition बहुत ज़्यादा है बट एक कैसे छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो लोग लॉन्स

Why didn't I think like that that this can become a multi million business model for that matter? So, it is very important for any entrepreneur or any startup or any business that you're going to start that you need to be very, very clear that what gap lies there in the market, okay, and you are wanting to fulfill that gap. ओके ना डिस्काउंटिंग रेट में उन्होंने बोला है कि यू विल यूज़ के ही एंड के ही कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लाइक सी ए पी एम मॉडल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटो बीटा दिया हुआ है देन स्पेसिफिक कंसिडरेशन दे आर सेंग हियर दैट वॉट इज बीटा सो वाई कंप्यूटिंग के यू वुड नीड बीटा सो बीटा इज़ लाइक सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक लाइक टू द स्टॉक और मे बी अ कंपेरेबल और उन्होंने एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर उन्होंने बोला कि इस केस में द सेंसिटिविटी हमको बीटा चाहिएगा करेक्ट है तो बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक टू द मार्केट और सेंसिटिविटी ऑफ एनी कंपेरेबल टू द मार्केट और सेंसिटिविटी ऑफ द होल इंडस्ट्री टू द मार्केट कोई भी तुमको अगर एक मिल गया तो यू विल बी एबल टू कंप्यूट के ही फॉर दैट मैटर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल रेजर पे देन योर गूगल पे देन पेटीएम ऑल आर लाइक दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम डेफिनेटली ये तो हम पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं जब सेकेंड लेक्चर शुरू हुआ है वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट और जब से हमने स्टार्टअप्स एंड और की बातें करनी शुरू करी है इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट गोइंग टू दर इज़ नो सेकंड एमेजॉन अंडरस्टैंड दर इज़ नो सेकंड गूगल दर इज़ नो अदर इंस्टाग्राम दर इज नो अदर फेसबुक सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ कंपेरेबल दैट इजिली सो इफ यू कुड कैलकुलेट अटा दैट मीन्स अटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट वेल एंड गुड इफ यू कैन अगर वो नहीं कर पाओगे तो कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑफ अ कंपेरेबल टू द मार्केट वो भी यूज़ कर सकते हो और द सेंसिटिविटी ऑफ द होल इंडस्ट्री टू द मार्केट वो कैलकुलेट करके देन यू कैन कंप्यूट के ही एंड देन दो एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट लिखा इन्होंने द सर्वाइवल विल डिपेंड अ लॉट ऑन द देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट एबिलिटी टू अडेप्ट एंड चेंज क्विकली एंड फोर्स द अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स द प्रोमो सारे ले लो एक साथ में तभी क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा तुमको प्रोमोटर्स के बारे में बोलो स्टेक होल्डर्स की क्वालिटी के बारे में बोलो मैनेजमेंट के बारे में बोलो इनका क्लैरिटी और इन टर्म्स ऑफ विजन के बारे में बात करो हाउ मच कॉस्ट कंट्रोल दे कैन डू उसके बारे में बात करो सो सो मैनी थिंग्स फॉर एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो दैट अबाउट बाई जू सो इट इट वॉज अ ब्यूटिफुल बिजनेस मॉडल दैट दे डेवलप्ड अन अकेडमी ब्यूटिफुल बिजनेस मॉडल बट सम हाउ दे कूडेंट कंट्रोल द मॉडल एट ऑल और या फिर उनका जो काम करने का था दे वेंट वेरी वेरी अग्रेसिव इन ऑफ़ कैश बर्निंग एंड ऑल दैट ओके सो आगे वहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा तो मैं बोलना भूल गई लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि मार्केट में पेनीट्रेड कराने के लिए फॉर एग्जाम्पल अमेजोन टू थर्टीन ईयर्स टू बिकम द अमेजॉन फॉर थर्टीन ईयर्स इट वॉज जस्ट बर्निंग कैश एंड इट वॉज इन लॉसेज सो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एयर टू बर्न अ लॉट ऑफ कैश तुमको ये पता ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है आज के दिन में कि गूगल एड्स uh, के थ्रू हम प्रोडक्ट को मार्केट में डालते हैं तो इट इनकर्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट ओके बिग गूगल ऐड नहीं करोगे धंधा ही नहीं आएगा तुम्हारा बट तुम करते रहते हो कैश बर्न करते रहते हो करते रहते हो और ये सोच के धंधा आते फिर लोगों को तुम्हारी आदत पड़ जाएगी फिर तुमको एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा नहीं डालना पड़ेगा पर हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जब तक मैं ब्रेक इवन करूंगी तब तक कोई और एप्लीकेशन या उसका डुप्लीकेट आ चुका होगा और वापस मेरी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल हैव टू लाइक मैंने ये ऑब्जर्व किया है दैट जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो बहुत बड़ा होता है उसके बाद जो कॉपी करके ये आता है वो वो लेवल पे अचीव नहीं कर पाते एंड इट इन्वॉल्व्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वन बिलीव मी वरना इतने सारे वेंचर कैपिटल और इतनी सारी प्राइवेट इक्विटी मार्केट में नहीं आई होती जो स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रही है मोस्ट ऑफ देम मेनी ऑफ आर बेस्ड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट मैटर ओके देन वी आर गोइंग टू हैड मार्केट अप्रोच तो मार्केट अप्रोच में यू कैन यूज़ एबिडा एज योर कंपेरेबल लिखा है ना पे द मार्केट अप्रोच वैल्यूज़ अ कंपनी बाय ड्राइंग कंपैरिजन फ्रॉम द सिमिलर तो अगर प्रॉफिटेबल है तुम्हारा कंपेरेबल या तुम खुद कंपेरेब कम प्रॉफिटेबल हो तो तुम पे ही यूज़ कर सकते हो अदरवाइज यू कैन यूज़ एंटरप्राइज़ वैल्यू बाई इबिडा ओके सो द मोस्ट the biggest problem is that you would not be able to find a comparable for that matter for your company there is the comparables are very very difficult to identify then the you know drivers of revenue there's an important point actually so marketplace matching supply and deva, demand number of bookings made number of registered users volume of transactions okay payment like matching bills google pay and your paytm number of active subscribers number of merchants registered on the platform compatibility and speed of operating system पेटीएम में अगर मर्चेंट्स नहीं हो तो कैसे काम जाए एज ऑफ टुडे एवरी सब्जी वाला भाजी वाला एंड योर ग्रोसरी स्टोर इज बेस्ड ऑन पेटीएम। दैट इज हाउ यू आर एबल टू मेक योर पेमेंट्स थ्रू पेटीएम नंबर ऑफ यूजर्स सब्सक्रिप्शन फीस प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स कम्युनिकेशन नंबर ऑफ यूजर्स स्पॉन्सर्ड लिंक्स एडवर्टीजमेंट रेवे डिपोजिटी में नंबर ऑफ रीडर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा सर्च में नंबर ऑफ यूजर्स रेलिवेंट सर्च डेटा एंड ऑल दैटाज़ ये हो गया तुम्हारा ओके सो द नेक्स्ट वन इज वैल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फॉर्म इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है Uh, when you talk about consultancy firms, they're talking about like uh, law firms and CA firms and many similar firms. So the only method that I can understand that you can value these professional consultancy firms is on the basis of the competition that I cannot see, and the KPIs would be very very different because each one of them will behave very very differently because they have not written as such anything. Uh, कुछ खास नहीं लिखा देखो मैं एक यहाँ पैराग्राफ जो मुझे लगा जो ठीक ठाक है पढ़ देती हूँ लाइक एनी अदर बिजनेसिस वैलुएशन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड द प्रोजेक्टेड इंडस्ट्री ट्रेंड्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट वैलुएशन अमाउंट एक्सपर्ट जनरली लुक एट द फर्म्स हिस्टोरिकल डेटा टू कंपेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड बेंच मार्क्स फॉर द जनरली वैल्यूशन एक्सपर्ट्स कंपेयर द कंपनी अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न और कुछ भी इसके अंदर में नहीं कुछ खास डिस्कशन करा हुआ है और अगर मैं ई पे आ जाऊँ तो यू कैन नाउ लाइक आई थिंक आई हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ नाउ थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से भी ई का मतलब होता है एनवायरमेंट सोशल एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली सो एज ऑफ टूडे दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू थिंग एंड इन थिंग दैट ऑल द कंपनीज़ हु फॉलो ई हु आर लाइक पर्टिकुलर अबाउट ई एस जी उनकी मार्केट में वैल्युएशन हाई रहती है वॉट इज ई एनवायरमेंट सो हाउ सेंसिटिव यू आर टू द एनवायरमेंट बिकॉज वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन द लॉन्जेविटी ऑफ आर एनवायरमेंट बिकॉज तुम्हारा जो लाइक फॉर एक्जाम्पल तुम केमिकल इंडस्ट्री हो तो तुम कितने सेंसिटिव हो तुम अपने पॉलिटेंट्स को नदी में डालते हो कैन ऑल दैट तो हाउ सेंसिटिव यू आर टू वर््ड्स देन सोशल सोशल फैक्टर्स का मतलब अब एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि तुम्हारे जो टीम है टीम के अंदर में तुमने कितने फीमेल्स को एम्प्लॉय कर रखा है तुम्हारे तुमने इंपॉर्टेंट पोजिशन में मेल फीमेल रेशियो क्या है सो दैट इंक्लूजन बोलते हैं इसको और सोसाइटी के जो और भी लोग जो डाउन टू डाउन टू डन जो लोग हैं जिनको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते यू नो सो इट इज़ इम लाइक यू नो transgender genders का भी बहुत इंपॉर्टेंस आ गया that इंक्लूजन तो कौन करेगा इंक्लूजन जो कंपनीज होगी जो कम्युनिटीज होंगी वो इंक्लूड करेंगे तो पूरी सोसाइटी में उनका इंक्लूजन हो जाएगा दे वुड गेट अ रेस्पेक्टेबल पोजिशन फॉर दैट मैटर्स को बोलते सोशल फैक्टर्स एंड गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि वॉट लेवल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस आर यू फॉलोइंग इन योर कंपनी सो एनी कंपनी हु इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एनवायरमेंट सोशल फैक्टर्स एंड गवर्नेंस वुड बी डेफिनेट ई एस जी सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता दूँ सो यू वुड बी वैल्यूड हायर इन द स्टॉक मार्केट फॉर दैट मैटर दैट इज ई एस जी देखो लिखा है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट लिखा है एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी कस्टमर बायोडाइवर्सिटी ये सारी चीज तुमको समझता है हम क्या कहना चाह रही हूं सो दे हैव सेट दैट ट्रेडिशनल बिलीफ फॉर दैट ई एस जी वॉज गुड टू हैव इन द एरिया Okay, of business ethics, sustainability, diversity, and community. However, with the heightened interest from different stakeholders groups, directors realize that it is now moving to a must-have territory. The business case of ESG generally begins with operational efficiency and risk reduction as primary goals, then extends to longer-term operational and organizational resilience and sustainability. Boards organize, recognize a strong and direct link to build a profitable business with a strong focus on the environment and the social considerations they also know that the focus on the esg issues requires robust governance practices which will fortify the company's portfolio as a strong contender with investors and shareholders so basically what will happen so e stands for environment okay इतना तुम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ पाओगे तुमको ये मैं ही नहीं पढ़ पा रही मेरे को ये अभी लग रहा है कि नहीं यार एन एफ हो गया मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी एंड बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेच एट एट ऑन अ पर्सनल स्पेस एंड इन द ऑन द वर्क फ्रंट आल्सो आई हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप योर एम सी क्यू उ प्लीज़ वो कर लेना uh, तीन ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने तो तीन ही क्वेश्चन दे रखे निकाल के प्लीज़ देख लेना तुम और अगर तुम बोलोगे तो मैं यहाँ पे मेरे पास बनी हुई वो शीट तीन क्वेश्चन की तो तुम बोलोगे तो Uh, मैं तुमको दे दूँगी मतलब इफ़ यू वांट लाइक मैं ग्रुप पे डाल दूँगी तुम्हारे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूँगी तो वो कर लेना प्लीज़ एंड आई टुक टाइम दो तीन दिन हो गए तो वो एज आई टोल्ड यू सम स्ट्रेच ऑन द पर्सनल फ्रंट एंड सम घर गृहस्थी बहुत चीज़ें होती हैं सबके टीचर्स के भी होती है तो लाइक दैट बट आई थाट इट माई इट्स माई रिस्पांसिबिलिटी दैट आई कम्प्लीट दिस टॉपिक रिस्पॉन्सिबिली एंड इसके बाद में और कोई थेरी टॉपिक नहीं करा रही हूँ स्टार्टअप फाइनेंस का टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है इस टर्म में नहीं किया पहले किया था तो तुमको ये बता दो कि पूरा का पूरा स्टार्टअप सेम है उसमें एक दो टॉपिक एड करें उन्होंने तो वो जो टॉपिक ऐड किया वो आई एफ सी एड किया इंटरनेशनल फिनेंशियल सेंटर बिकॉज विद गिफ्ट सिटी आई एफ सी इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्राम द एग्जामेशन परस्पेक्टिव तो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में आई एफ सी के नोट्स तुमको डाले आई एफ सी और इस्लामिक फाइनेंस का डाला इस्लामिक फाइनेंस मत पढ़ना आई एफ सी पढ़ लेना मैंने अपने वर्ड्स में आई की तुमको थ्योरी लिखाई है और लेक्चर भी तुम्हारा डाला हुआ है आई का लेक्चर भी है आई थिंक आई का लेक्चर भी यूट्यूब पर है कहां है मैं देखती हूं अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगी तो उस तरह से अगर देखा जाए तो आई हैव डन इलेवन चैप्टर्स ओनली फोर आर पेंडिंग यू कैन ट्राई टू मैनेज और ये ग्यारह भी तुम कर लोगे हैंडल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इट्स गुड एनफ लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एटी परसेंट मोर देन एटी परसेंट फॉर दैट मैटर सो प्लीज लाइक थैंक यू सो मच एंड आज मेरी टीम तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी ड्राइव पे शेयर कर देगी uh, मुझे नहीं लगता कि और कुछ पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे और क्या करना था एग्ज़ाम तुम्हारे बिल्कुल पास आ चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि uh, तुम लोग को अब टाइम बर्बाद करना चाहिए न्यू न्यू कंटेंट के पीछे भाग के जो है उसको कंट्रोल करो जितना है उतना पढ़ के चले जाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड प्लीज़ लेक्चर बंद करने के पहले सब्सक्राइब uh, मत करना मत भूलना एंड कमेंट करना मत भूलना और लाइक like करना मत भूलना थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन एंड आई सिंस इट इज़ द फर्स्ट टर्म इन द न्यू करिकुलम आई एम रियली हैविंग मुझे खुद को बहुत जिटर्स हो रहे हैं कि पता नहीं कैसे बच्चे पेपर करेंगे बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पेपर डिफिकल्ट एज सच होगा जो तुम मैनेज नहीं, नहीं कर पाओगे इन द न्यू फॉर्मैट कैटेगरी आई एम सही एज़ फर एज थियरीज़ कंसर्ड आई थिंक इलेवन चैप्टर्स आर डन गुड तुम इतना भी कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं तो मैनेज कर पाओगे दो तीन चैप्टर एक रफ रीडिंग देना सारे छोटे छोटे ही हैं तुम्हारे तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑन योर ओन एंड थैंक यू